आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज होली है, आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हमने विगत कुछ एक सप्ताहों में लेखक, स्तंभकार, आयोजन धर्मी, अनुवादक अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र किया, कई कड़ियां हुई। आज 31वीं कड़ी है। यह एकाग्र आज की इस कड़ी के साथ विराम लेगा और इस कड़ी में हमारे साथ हम सभी के प्रिय लेखक, पीढ़ियों के प्रिय लेखक जुड़े हुए हैं, स्वयं अशोक वाजपेयी जी। तो सीधे हम उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि वक्त नहीं गंवा सकते। आज बहुत सारे प्रश्न हैं जो उनसे किए जाने हैं। जी अशोक जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी, अच्छा लग रहा है कि इस कड़ी के लिए आपकी स्वीकृति मिली और हम सभी लोग एक बृहत्तर साहित्यिक सांस्कृतिक समाज इस माध्यम से आज आपको सुनेगा। चूंकि आज होली है, तो एक बार आपको सब परिवार, हमारी पूरी टीम की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सबको होली मंगल कामनाएं जी। और शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि होली के अवसर पर कुछ एक दशक पहले, लगभग 35 वर्ष पूर्व एक किताब आई थी, दूसरी परंपरा की खोज, उर्फ कर्नल नामवर सिंह के सनसनीखेज कारनामे। यह एक हास्य उपन्यास था जिसे उदयन वाजपेयी जी, मदन सोनी जी, ध्रुव शुक्ल और शिरीष ढोबले जी ने मिलकर लिखा था। यह एक हास्य उपन्यास था। इसमें कृष्ण बलदेव वैद्य जी को 250 वर्षों का एक पात्र बनाया गया था। आप भी पात्र बने थे, निर्मल जी बने थे, रमेश चंद्र शाह बने थे, ये तमाम लोग बने थे और बड़े ही रोचक अंदाज में, साइक्लो स्टाइल में ये चीजें वितरित की गई थी कुछ एक लोगों के पास। उसको लेकर अपने एक आलेख में उदयन वाजपेयी जी लिखते हैं, मैं उसको पहले पढ़ता हूं, फिर इस पर आपकी टिप्पणी लूंगा, क्योंकि आज होली के इस अवसर पर मुझे लगा कि शुरुआत यहीं से हो। उदयन जी लिखते हैं, जब भी लिख रहे थे इस आलेख को, कई वर्ष पहले भोपाल में हम कुछ मित्रों ने मिलकर होली के मौके पर एक हास्य उपन्यास लिखा था। उसमें अनेक लेखकों ने कृपा पूर्वक पात्रों की तरह उपस्थित रहना स्वीकार किया था। और वे आगे लिखते हैं कि उन पात्रों में वैद्य साहब थे। हमारे उपन्यास के पात्र डॉक्टर वैद्य की उम्र 250 वर्ष थी, जबकि आज हमारे बीच उपस्थित श्री कृष्ण बलदेव वैद्य सिर्फ 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं जब वे आलेख पढ़ रहे हैं। और यह उपन्यास जो आया, उसमें जगदीश स्वामीनाथन भी एक पात्र थे। और उदयन जी की यह टिप्पणी है कि किस तरह से स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन जी और उनकी पत्नी श्रीमती भवानी जी कैसे इसको पढ़ पढ़कर लोटपोट होती रहीं। तो यह कुछ याद है कि होली पर भी लेखक बिरादरी किस तरह से एक दूसरे की लेखन शैली को लेकर छूट लेता है और एक बड़ा एक लोकतांत्रिक माहौल होता है, इस पर कुछ कहें जी। देखिए, होली का अवसर पारंपरिक रूप से तो ऐसा था जो आपको सब कुछ करने की छूट देता था, जो आम तौर पर आप संकोच के कारण, लिहाज के कारण, आदर के कारण और विभिन्न सामाजिक मर्यादाओं के कारण बेबाक ढंग से नहीं कह पाते, वो होली पर कह सकते हैं। तो उस समय हिंदी के अखबारों में ये परंपरा थी, कम से कम मध्य प्रदेश में तो थी ही, कि बहुत सारे लेखकों, कलाकारों, राजनेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि पर मजाहिया दोहे लिखे जाते थे और उनकी किसी वृत्ति पर एक तीखी या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जाती थी। तो प्रायः हर एक अखबार इस तरह के विशेषांक निकालता था। तो उसी तरह का
ये सब युवा थे, उदयन, मदन, शिरीष और ध्रुव, और इनकी एक मंडली थी जो हमसे युवतर पीढ़ी की मंडली थी। तो जाहिर है कि उन्होंने मिलके ये सोचा कि एक जासूसी किस्म का उपन्यास लिखें, जो हर एक ने थोड़े थोड़े अंश लिखे इसके, और उसको साइक्लोस्टाइल करा के फिर सबको दिया गया। तो उसमें बहुत सारे लोगों का मजाक बनाया गया था, जैसा कि बताइए वैद साहब को 250 वर्ष का बूढ़ा चरित्र बनाया गया था। उसमें स्वामीनाथन भी थे, नामवर सिंह थे, निर्मल वर्मा थे, हम लोग थे, शाह साहब वगैरह सब थे। तो एक वो, और इसका किसी ने, जहां तक मैं जानता हूं, बुरा नहीं माना था। अगर माना भी हो तो कम से कम उसको व्यक्त नहीं किया था, क्योंकि ये मजाक बनाने का अवसर था। अब इधर हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ऐसा हो गया है कि इसमें विनोद प्रियता बहुत कम हो गई, लोग बुरा बहुत मानने लगे, और हंस बोल कर बहुत कम चीजें कर पाते हैं। इतनी गुरु गंभीरता छा गई है, तो कम से कम होली के अवसर पर तो उस गुरु गंभीरता को अतिक्रमित करने का या उसको दरकिनार करने का अवसर होना चाहिए, जो कि था। जी जी, और आज सभी मित्रगण जानते ही हैं कि आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मित्रों, अशोक वाजपेयी जी 2 शताब्दियों के बीच एक सेतु भी हैं हम सभी के लिए, और 21वीं सदी हो या इसके पूर्व की 20वीं सदी, दोनों में महिलाओं की, स्त्रियों की सजगता और सक्रियता के पैरोकार भी रहे हैं। आजकल यह आवाज जितनी कहीं ना कहीं स्वाभिमान से और आत्मविश्वास से भरी हुई है, संभवतः कुछ एक दशकों पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसे में आज इस दिवस पर हम अशोक जी से यह भी जानते हैं कि वे साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में स्त्रियों के की उपस्थिति को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं अशोक जी? देखिए, हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया और उसके काफी लंबे अरसे बाद तक बहुत कम स्त्रियां साहित्य में थीं, दूसरे क्षेत्रों में धीरे धीरे वो आना शुरू हो गई थी, लेकिन साहित्य में थोड़ा देर से आई, पर आई तो समझिए कि भरभरा के आ गई। इस कदर बड़ी संख्या में इस समय स्त्री लेखक हैं हिंदी में, जो मेरे हिसाब से हिंदी के साहित्यिक बौद्धिक लोकतंत्र का एक बहुत ही अभूतपूर्व विस्तार है। अगर हम याद करें तो पहले हमको क्या याद आया, मीरा, फिर बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी, उसके बाद कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, कीर्ति चौधरी इत्यादि, बहुत कम। लेकिन इस समय तो स्त्रियां न सिर्फ प्रतिभाशाली हैं, निर्भीक हैं, नवाचारी हैं, और वो सिर्फ कविता में ही नहीं है बल्कि कथा साहित्य में भी उनकी ये सक्रियता देखी जा सकती है। थोड़ा बहुत खेद मुझे इस बात का होता है कि आलोचना में वैसी अभी उपस्थिति नहीं बन पाई है। तो और दूसरी कलाओं में, शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, रंगमंच में और ललित कलाओं में, तो उनकी उपस्थिति बहुत निर्णायक दशकों से रही है। साहित्य में अब हो रही है, तो ये, और ज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में, इतिहास में, मनोविज्ञान में, समाज विज्ञान में, उनकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण और
कई मामलों में तो केंद्रीय रही। तो एक बहुत ऐतिहासिक रूप से ये एक अभूतपूर्व क्षण है हिंदी साहित्य में, इसमें कोई संदेह कम से कम मुझे तो नहीं। जी जी बिल्कुल, और आप स्वयं अलग अलग अवसरों पर उनके बारे में, उनकी रचनाओं को लेकर, उनकी सजगता को लेकर लिखते लिखते भी रहे हैं, हम सभी उन्हें पढ़ते भी रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा बिल्कुल दुर्ग की ओर चलते हैं, और जब दुर्ग की बात आती है तो आपका वह जन्म स्थान है जब आपकी माँ वहाँ गई अपने पिता के पास, आपके नाना जी के पास, जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आपके नाना जी उन दिनों रह रहे थे। बाद में तो आपका अपना परिवार और स्वयं आपके नाना जी का परिवार सागर में आ गया। तो जब आपका जन्म होता है तो कई अवसरों पर आपने अपने पिता के कुछ स्केच खींचे हैं जिसमें वे विनोदी किस तरह के हैं, हम लोगों से भी कुछ किस्से आपने साझा किए और किस तरह से वे जिद्दी भी रहे। कुछ एक तत्व आप उनके स्वयं के भीतर भी पाते हैं। तो आपके उन पिता परमानंद वाजपेयी जी की खुशियां किस तरह से अभिव्यक्त हुई होंगी जब दुर्ग में उनकी पहली संतान का जन्म होता है। जाहिर है कि वो आप लोगों से ही सुनकर उसको यहाँ पर बयान कर सकते हैं, वह स्मृतियां ही आपके भीतर होंगी, तो इस पर कुछ कहें। देखिए, मुझे तो दुर्ग की रत्ती भर याद नहीं है, और बाद में जब मेरी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहली तैनाती रायपुर में हुई तो दुर्ग जाकर मैंने वो जगह खोजने की कोशिश की, वो बंगला जिसमें संभवतः मेरे नाना रहते होंगे और जहाँ शायद मेरा जन्म हुआ होगा, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। तो दुर्ग से मेरा सिर्फ जन्म भर का संबंध है, और वहां से संभवतः कुछ ही महीने बाद मैं अपनी माँ के साथ सागर आ गया होऊंगा, तो इसलिए मुझे उसकी तो याद बिल्कुल नहीं है। ये भी याद नहीं है कि मेरे पिता को मेरे जन्म पर कोई विशेष प्रसन्नता हुई हो, इसका भी मुझे तो कोई पता नहीं है, सिवा इसके कि वो मुझसे स्नेह बहुत करते थे, भले मैं उनसे डरता बहुत था। तो वो एक विचित्र सा संबंध है स्नेह और भय का मिला जुला, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन में जो भी मैंने करना चाहा उस समय उसके लिए सभी अवसर और साधन जुटाए, और शायद ऐसा रहा होगा कि जब मैंने कविता लिखना शुरू किया तो उनको थोड़ा शायद इस पर उनको शंका हुई होगी कि मैं कविता वगैरह के चक्कर में पड़ गया तो शायद जीवन में अधिक कुछ और नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो उनको निराला का, निराला हमारे गांव के पास के थे और हमारे पिताजी उनको व्यक्तिगत रूप से जानते भी थे, निराला की उस समय जो हालत थी सब हमको याद है। तो कवियों की कोई खास अच्छी स्थिति हिंदी में समाज में कभी नहीं रही, और आमतौर पर ये माना जाता था कि वो तो फटे हाल ही होंगे, तो इसलिए उनकी शंका रही होगी जब। लेकिन मैं चूंकि अकादमिक रूप से काफी तथाकथित कुशाग्र छात्र था और अव्वल वगैरह आता रहता था क्लास में, तो इसलिए उनको लगता था कि कहीं कविता मुझे भटका न दे। लेकिन जब मैं आईएएस में आ गया और उसके बावजूद कविता भी लिखता रहा तो शायद उनको कुछ आश्वस्ति हुई होगी कि उनकी जो अपेक्षा मुझसे थी वो अधूरी नहीं रह गई। तो ये एक एक बात है जो मैं याद कर सकता हूं। आवाज नहीं आ रही जी।
जब माफ कीजिएगा, जब आईएएस की बात होती है तो कुछ एक जगहों पर आप अपने उन शिक्षक की भी बात करते हैं स्कूल के दिनों की, जो आपको यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके भीतर साहित्य की उस प्रवृत्ति को देख समझ रहे थे, आपको तब निकलने वाली कल्पना के उन अंकों से भी परिचय करवा रहे थे, आपको उस दिशा की ओर भेज रहे थे, और शायद यह भी कह रहे थे कि तुम एक प्रशासकों के परिवार से आते हो तो रहो तो एक प्रशासक की तरह, लेकिन जब इस दुनिया को विदा करो तो एक कवि की तरह। उनके बारे में भी कुछ बतलाएं, क्योंकि उनका भी आप पर एक बड़ा आपके अवचेतन पर गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है आपकी बातचीत में। वो मेरे अध्यापक थे 9वीं और 10वीं कक्षा में। उसके पहले मैं कुछ साहित्यिक उद्यम करने लगा था और कुछ कविताएं वगैरह लिखी थी, और उन दिनों जो प्रभाव थे उनके चलते मैंने गद्य गीत भी लिखा था, और 8वीं कक्षा में मैं जब था तब मैंने उसे भारती नाम की एक पत्रिका निकलती थी ग्वालियर से, उसमें प्रकाशन के लिए भेजा और वो छप गया, और उसका उसका प्रिंट आउट वो उस समय देने की प्रथा थी। जब वो आया तो ऊपर दिनकर जी का एक गीत था और नीचे मुझे 8वीं क्लास के लड़के का गद्य गीत था। तो थोड़ा बहुत तो उद्यम मैं करने लगा था, पर उसको दिशा मिली जब मेरे अध्यापक और गुरु लक्ष्मीधर आचार्य 9वीं और 10वीं कक्षा में आए, तो उन्होंने मुझे नए साहित्य के लिए एक तरह से प्रेरित किया। मेरा जब उपनयन संस्कार हुआ तो उन्होंने शेखर एक जीवनी दो भाग हरी घास पर क्षण भर जैसे पुस्तकें भेजी और कल्पना पत्रिका को पढ़ने के लिए उकसाया। तो 2 वर्ष मेरे उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ संपर्क के, और उनके साथ घूमने शाम को, और उनकी बातें सुनने, पहली बार फिल्म देखने, पहली बार चाय पीने, पहली बार रेस्तरां में खाना खाने, समोसा खाने, इत्यादि इत्यादि इन सब बातों को। तो जब वो जाने लगे तो हम लोग बहुत दुखी थे, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा के, तुम्हारा परिवार तो प्रशासकों का है, मेरे नाना प्रशासक थे, मेरे मामा प्रशासक थे, मेरे पिता प्रशासक थे, तो आना तो तुमको आईएएस में चाहिए पर मरना कवि की तरह। तो एक तरह से उन्होंने मेरे जीवन की 2 दिशाएं निर्धारित कर दी, तो इन पर ही चलता रहा। जी, और जब हम उनको याद कर रहे हैं आपके गुरु को, तो कुछ और ऐसे गुरुओं की बात करें, चाहे वे कॉलेज के हों, सागर विश्वविद्यालय में, या बाद में जब आप दिल्ली आते हैं, तो उनमें और किन अध्यापकों और प्राध्यापकों के आप पर कुछ खास प्रभाव पड़े? देखिए, मैं पहले तो विज्ञान का विद्यार्थी था, और फिर उसमें विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने के बाद मैंने तय किया कि मैं विज्ञान नहीं पढ़ूंगा और मैं बीए करने, उसमें मेरे विषय संस्कृत, हिंदी और इतिहास थे, और संस्कृत अंग्रेजी और इतिहास थे, हिंदी विषय ही नहीं था, तो हिंदी का मैं वैध विद्यार्थी नहीं रहा हूं। तो मेरे जो अध्यापक थे उनमें तो कोई विशेष ऐसा अध्यापक नहीं था, लेकिन उस समय हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर, रमेश दत्त दुबे, राजा दुबे, आग्नेय, प्रबोध कुमार, इन लोगों ने मिलकर वहां एक एक तरह का एक साहित्यिक, नए साहित्यिक उद्यम की शुरुआत की थी। तो उसमें हमें हिंदी विभाग से तो एक तरह की या तो हिकारत या दुश्मनी का भाव नजर आता था, लेकिन नृतत्व शास्त्री श्यामाचरण दुबे, दार्शनिक दया कृष्ण, राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले विजय चौहान, ये ऐसे लोग थे जो हमारी हमारी हमको प्रोत्साहित करते थे। और फिर बीए के अंतिम वर्ष में एक वर्ष नामवर सिंह भी वहां थे, तो हम लोगों की एक मंडली सी बन गई थी, और उससे
ये भी हुआ, उसमें हमने फिर मुक्तिबोध को भी बुलाया, अज्ञेय को भी बुलाया, शमशेर जी को बुलाने की तैयारी थी लेकिन वो हो नहीं पाया। बहरहाल तो एक तरह का साहित्य में विश्वास और साहित्य में सक्रिय होने की सार्थकता का एहसास उन दिनों शुरू हो गया। कुछ एक टिप्पणियां भी आ रही हैं, उनमें से कुछ एक को हम लेते चलेंगे। जब आप महिलाओं और स्त्री लेखकों की बात कर रहे थे, तब आपने कहा कि भरभराकर वे आईं। तो हाँ जो अरविंद त्रिपाठी जी हैं, वे लिख रहे हैं, वे आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं होली की, और कह रहे हैं कि भरभरा के आईं, यह देशज शब्द कहाँ से पाए। तो यह जो देखिए, देशजता है आप के लेखन में, जी सारे कवि और खासकर अच्छे कवि चोर होते हैं, वो कहाँ कहाँ से चुराते रहते हैं, परंपरा से, पूर्वज लेखकों से, समकालीन लेखकों से, आसपास के जीवन से। तो कौन सा शब्द कहाँ से आपके मन में बैठा रहता है और कब वो उझक के बाहर आ जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अब ये कहाँ से आई तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो एक रेला जैसा आता है जिसमें बहुत सारे, तो उसको भरभरा के आना कहते हैं, ऐसा मुझे लगा तो मैंने कह दिया। बिल्कुल। और हम लोग भी, मैं तो मगध से आता हूं, पटना और गया के बीच का जो अंचल है, वहां भी हम लोग गांव में भी इस शब्द को तो इस्तेमाल में लाते ही थे, लाते ही हाँ हैं। जी, हाँ एक और टिप्पणी अनिल त्रिपाठी जी की, वे आपको होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और वे लिख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं, कि एक प्रसंग जानना चाहता हूं, क्या अज्ञेय को जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अशोक जी ने उसे सटायर की तरह लौटाने के लिए कहा था, यह भी कि जब ले ही लिया तो यह मुझे दे दीजिए ताकि मैं नए कवियों के संग्रह छपवा सकूं, ऐसा श्रीराम वर्मा ने एक जगह लिखा है, जबकि अगले वक्तों के लोग में यह प्रसंग नहीं है। मैंने उनसे पुरस्कार लौटाने को कहा ऐसा मुझे याद नहीं है। मैं उन दिनों इतनी चिट्ठियां उनको लिखता था कि बहुत सारी चिट्ठियां मेरी मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मुझे तो ऐसा याद नहीं है। लेकिन चूंकि मेरी ये कोशिश हमेशा रहती थी कि किसी तरह से नए कवियों के, युवा कवियों के कविता संग्रह छपें, तो ये जो दूसरी बात है वो मैंने जरूर उनको लिखी होगी। लेकिन मैंने इसका उल्लेख शायद अपने संस्मरण में इसलिए नहीं किया है कि मुझे उसका कोई साक्ष्य बचा ना नजर नहीं आया। तो ऐसी कोई बात कहना साक्ष्य के अभाव में, विशेषकर जब व्यक्ति जिसको लेकर कही जा रही है वो दिवंगत हो, जब मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। जी, और हमारे साथ चित्रकार लेखक अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी आ रही है, अशोक जी की आत्मकथा भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रामाणिक और रोचक दस्तावेज होगा, और मुझे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अर्पण जी, आपका आग्रह भी इग्नाइट करने के लिए आवश्यक है। मैं क्या कह सकता हूं, तो स्वयं अशोक जी कुछ कहें। देखिए, ये आग्रह तो मेरे बहुत सारे मित्र करते रहे हैं और बीच बीच में मुझे भी लगता रहता है कि मैं ये वृत्तांत अपने समय का और अपने समय के इतने बड़े सांस्कृतिक परिदृश्य का जरूर लिख लूं, लेकिन मैं आलसी भी हूं और इसके लिए जिस तरह की व्यवस्थित चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन सोच रहा हूं कि अब चूंकि जो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो मैं कर चुका, तो अब इस छोटे मोटे अपने ही पर केंद्रित, हालांकि अधिकतर दूसरों के बारे में, इस प्रोजेक्ट को भी कुछ शक्ल दे दूं, तो देखिए क्या होता है, कब होता है। और जब आत्मकथा की बात चली है, तो एक बेहद रोचक पुस्तक, उस पर कई बार मैंने और कुछ और लोगों ने भी चर्चा की ही है, और बहुत ही रोचक, पौभर जीरे में ब्रह्मभोज,
तो वह भी एक आत्मवृत्ति ही है, हालांकि वह बहुत सीमित है, मगर उसका तो अपना एक महत्व है ही। और आप, मैं यहां यहीं से एक सवाल भी लेता हूं कि आप इस पुस्तक के पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज के समर्पण में लिखते हैं, उन असंख्य दूसरों के नाम जो ना होते तो मैं ना होता। और ऐसे कई दूसरे हैं आपके यहां जो आपसे अभिन्न हैं या आपके आत्म के विस्तार हैं, गली मोहल्लों, दालानों, दलों, साहित्य, शिक्षा, कला परिसरों, कई कई जगहों पर ऐसे लोगों की सघन उपस्थिति है जिनके बीच आप रहते आए हैं और स्वयं को यहां तक लाए हैं। कई बार स्वयं जनसुलभ के मंच पर भी और अन्यत्र भी आप कुछ एक वक्तव्यों में समुच्चय बनाते हुए अपनी बात रखते हैं। तो अगर आज कुछ तत्काल है, मगर अगर आज ऐसे कुछ समुच्चय बनाने की बात कही जाए, इस पूरे जन संकुल, इस पूरे लेखक कलाकार संकुल का, तो किस तरह के कुछ समुच्चय बन सकते हैं ये जो अन्य हैं, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, जिनके बगैर आप स्वयं मानते हैं कि उनका क्या महत्व है। जी देखिए, ऐसे तो बहुत सारे समुच्चय बनेंगे, उनकी और उनकी संख्या बहुत अधिक होगी, और संभवतः दर्शकों श्रोताओं के लिए वो उबाऊ भी हो सकती है। चार पांच छह तरह के समुच्चय मैं फौरन ही सोच सकता हूँ। एक समुच्चय तो जो सागर में बना था, जिसमें रमेश दत्त दुबे, आग्नेय राजा दुबे, प्रबोध कुमार, जितेंद्र कुमार जैसे लोग थे। दूसरा समुच्चय एक जमाने में भोपाल में बना, जिसमें बल्कि दूसरा दिल्ली में बना, जिसमें श्रीकांत वर्मा, कमलेश, प्रयाग शुक्ल, रमेश गोस्वामी, महेंद्र भल्ला, अशोक सिकसरिया जो उसके सबसे महत्वपूर्ण संभवतः सदस्य थे, वो बना। तीसरा समुच्चय बना जब मैं भोपाल में सक्रिय होना मैंने शुरू किया, तो सोमदत्त, भगवत रावत, उन दिनों शरद जोशी भी उसके हिस्से होते थे, हम लोगों ने मिलकर कई काम किए थे। फिर आगे एक समुच्चय बना जिसमें मेरा छोटा भाई उदयन, मदन सोनी, ध्रुव शुक्ल, जितेंद्र कुमार भी आते जाते रहे, प्रभात त्रिपाठी। एक और समुच्चय बाद में जो बनना शुरू हुआ, उसमें स्वामीनाथन, बाबा कारन, सैयद हैदर रजा, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, कृष्ण बलदेव वै, दिलीप चित्रे, विजय देव नारायण शाही, ऐसे लोगों का समुच्चय बनना शुरू हुआ, नामवर सिंह भी। फिर ये ऐसे ऐसे समुच्चय बनते गए हैं। इनमें बहुत सारे कलाओं के लोग भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग थे, मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर, इनके बिना तो मेरा कोई समुच्चय कभी पूरा हो ही नहीं सकता, हबीब तनवीर इत्यादि। तो ये समुच्चयों की एक एक वो है। और मैं अपने को, अगर कभी कभी रोशनी मुझ पर पड़ती है, तो वो रोशनी दूसरों की है जिन्होंने उदारता से और एक तरह के विश्वास से मुझे उस रोशनी के काबिल समझा है। वो आत्म प्रकाश उतना नहीं है जितना पर प्रकाश है। और हम कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि तो दूसरों का प्रकाश ही मुझे अनंत लगता है, अपना नहीं। और शायद हम में से कई लोग यह बात कहना चाहेंगे और आपके संदर्भ में यह बात कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने कितना कुछ आपसे सीखा है। और कल प्रियदर्शन भी इस बात को कह रहे थे कि जितनी बतकही या जिस तरह से ओरल ढंग से गप्पों में अशोक जी कितना कुछ बताते हैं, कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं दर्ज किया जाना चाहिए। और जिसकी बात आज
अखिलेश जी ने भी की। एक और सवाल, एक और माफ कीजिएगा, एक और सवाल कैलाश मंडलेकर जी का हम ले लें। वे अपनी टिप्पणी में लिख रहे हैं कि घास में दुबका आकाश की कुछ कविताओं की टोन में एक किस्म का दार्शनिक आग्रह दिखाई देता है। क्या आपने भारतीय दर्शन समग्र रूप में पढ़ा है? आचार्य रजनीश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वे भी एक वक्त सागर में रहे हैं। मैंने दर्शन शास्त्र का कोई विधिवत अध्ययन नहीं किया है और मुझे किसी तरह की दार्शनिकता का दावा करने का कोई भी हक नहीं है। मैं तो पढ़ते लिखते जीवन से, साहित्य से, कलाओं से जो कुछ विचार उभरता लगता है उसी को व्यक्त करता हूं, जो कभी कभी शायद हो सकता है अपनी अपने अंदाज में दार्शनिक लगता हो। तो दर्शन का मैं विधिवत अध्येता कतई नहीं हूं, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति होगा सृजनात्मक जिसका दर्शन से कोई ना कोई रिश्ता न बनता हो। तो विधिवत अध्येता तो नहीं हूं, लेकिन जब तब दर्शन की बातें, दर्शन की चीजें जानता समझता रहा हूं। रजनीश उस समय रजनीश नहीं हुए थे, आचार्य नहीं हुए थे, गुरु नहीं हुए थे, वो एक अध्यापक थे और दर्शन विभाग में व्याख्याता थे। तो उनकी कुछ जो उक्तियां होती थी कभी-कभी सार्वजनिक के, मैं अंधेरे में लालटेन लेके आदमी को ढूंढ रहा हूं, तो हम लोग थोड़ा इसका मजाक बनाते थे कि अंधेरे में लालटेन लेके नहीं ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे वगैरह तो था। लेकिन मुझे ये कतई अंदाज नहीं था और ना उनकी दर्शन विभाग में ऐसी कोई स्थिति थी। दर्शन विभाग में तो जो केंद्रीय उपस्थिति थी वो प्रोफेसर सक्सेना की, और बिल्कुल युवा अध्यापक लेकिन बहुत ही बड़े दार्शनिक दयाकृष्ण की थी। और जब इन्हीं इसी जनसुलभ पुस्तकालय पर हमने मुकुंद लाठ जी पर और यशदेव शल्य जी पर एकाग्र किया तो वहां भी हमने आपको सुना। और ये दोनों भी उस तरह से विधिवत दर्शन के नहीं रहे, मगर कितने सारे काम इन दोनों ने किए हैं हम सभी जानते हैं। जी, और एक टिप्पणी इनकी है, अनिल त्रिपाठी जी की। रिभु को पता नहीं कि बाबा इन शब्दों से क्या करते हैं। रिभु को पता नहीं कि बाबा इन शब्दों से क्या करते हैं। बच्चों के मनोविज्ञान को पकड़ती इस एक पंक्ति की कविता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए, कई लोगों के जीवन में बड़े संयोग घटते हैं और हर चीज बहुत सोच विचार के नहीं होती है। कई बार स्वतः स्फूर्त एक तरह की नई उत्कटता से कुछ एक 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 बात बन जाती है। तो मेरा जो पोता था, अब तो वो युवक हो गया है IIT वगैरह में पढ़ के, लेकिन उस समय छोटा था तो वो अक्सर शाम को मैं निकलता था तो एक आध बार उसने पूछा कि बाबा तुम IIC जाओगे, यानी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर? तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा। तो उनका वहाँ कोई कार्यक्रम है? तो मैंने कहा हाँ वहाँ एक कार्यक्रम है, तो उसमें तुम बोलने वाले हो? मैंने कहा मुझे बोलना है। मैंने कहा बाबा तुम बहुत बोलते हो। तो ये एक बच्चे की टिप्पणी थी अपने बाबा पर कि वो बहुत बोलते हैं। मेरा ख्याल है कि और बहुत सारे लोग होंगे जो शायद उस टिप्पणी से सहमत होंगे कि मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन बोल बोल कर ही तो मैंने जो थोड़ा बहुत कर पाया वो कर पाया। बिल्कुल। और कितने सारे लोग, कितनी पीढ़ियां हैं जो यह मानती हैं कि आप एक ऐसे वक्ता हैं, कई ऐसे लेखक आलोचक
कि जिनके कहे हुए को भी अगर लिख दिया जाए तो वह भी बिल्कुल आलेख जैसा ही उसका एक रूप बन जाता है। इसका एक प्रसंग मुझे याद आता है। मैंने एक जी हमारे आलोचक मित्र थे, अध्यापक भी थे, मैनेजर पांडे, उन्होंने जेएनयू में तार सप्तक पर या के किसी और विषय पर एक अध्यापकों का पुनस्मरण या ऐसा कोई कोर्स किया था जिसमें मुझे तार सप्तक पर बोलने बुलाया। तो मैं गया, तो मैं तो कुछ अपने नोट्स के आधार पर मैंने एक वक्तव्य दे दिया। अब जो अध्यापक मुझे सुन रहे थे उनमें से एक थे माधव हाड़ा, जो इधर मीरा और उनकी परंपरा के भक्ति काव्य के बड़े विशेषज्ञ के रूप में उभरे हैं। उन्होंने उस वक्तव्य को पूरा उतार लिया, मतलब शायद रिकॉर्ड किया होगा, जो भी किया हो, और फिर मुझे भेजा। मैंने उसको थोड़ा इधर नोक पलक ठीक करके फिर उसको एक निबंध बन गया वो। अगर वो ऐसा न करते तो शायद मैं उसको विधिवत एक निबंध के रूप में न लिख पाता। तो कभी कभी ऐसा सौभाग्य मिला है कि किसी ने नोट कर लिया। ठीक, और अब हम वापस थोड़ा और पीछे चलते हैं आपके जो कवि जीवन की सक्रियता रही उसको लेकर। आप कई जगहों पर यह बात कहते हैं, स्वीकारते हैं, और यहां भी अभी आपने कुछ देर पहले कही ही कि बिल्कुल शुरुआत से लगभग 13 वर्षों की उम्र से आप कविता लिख रहे हैं, और इस तरह से हम जोड़ें तो 70 वर्ष कविता लिखते हुए या उसमें विश्वास रखते हुए बीते हैं। कविता को लेकर आपके विचार अलग-अलग ढंग से आपके तमाम कविता संग्रहों में हमें दिखाई पड़ते हैं, कभी-कभार में भी काफी विस्तार से। और जो आपका पहला ही कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है, उनमें भी आप अपनी भूमिका में इस बात को लिखते हैं कि तब भी आपने कई ऐसी कविताओं को वहां से हटा दिया जो आप उस समय रख सकते थे। तो इसको लेकर भी कहें, और आज जो हमारे कई लेखक गण यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्हें भी कुछ सहूलियत होगी कि हमारा लेखक स्वयं हमारा अपना एक कठोर संपादक किस तरह से बने। जी मैं शुरू में तो अपना कठोर संपादक था, लेकिन बाद में शायद उसमें ढील हो गई। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो कठोरता फिर बची नहीं, लेकिन शुरू में कठोर होना ज्यादा ठीक है। मैंने लगभग उस समय भी, यानी 1965 तक, लगभग आप समझिए कि 7-8 वर्ष के अंदर लगभग 200 कविताएं लिख ली थी। उनमें से लगभग 150 को मैंने खारिज कर लिया। उसमें से 10-11 का एक बचा लिया कि मुझे लगा कि उसको रखा जा सकता है, लेकिन पहले संग्रह में तो मैंने उसे नहीं रखा, बाद में तीसरे चौथे में कभी उसको शामिल कर दिया। तो कुल 53 या 54 कविताओं का पहला संग्रह बना, और वो बना 150 कविताओं को खारिज करके। वो इस कदर खारिज हुई, और उनमें से कई बहुत सारी अच्छी पत्रिकाओं में छप चुकी थी, ज्ञानोदय में, और युग चेतना में, सुप्रभात में, नया समाज में, अजंता में, कल्पना में, वसुधा में, और उन कविताओं को मैंने इस योग्य नहीं माना। तो ये तो आपकी अपनी सख्ती है जिसकी जरूरत होती है, खासकर पहला संग्रह तैयार करते समय। अब शुरुआत पहले संग्रह की 1966 में हुई, और तो पहला संग्रह छपा, उससे लेकर अब समझ लीजिए कितने बरस हो गए। तो एक सख्ती
और अपनी अपनी कविता का पहला पाठक तो कवि स्वयं होता है, और उस पहले पाठक में ये आलोचना वृत्ति होनी चाहिए। हो सकता है इसमें कभी कभी मुझसे भी चूक हुई होगी कि वो उसको ठीक से एक पाठक के रूप में कैसे देखता है इसका निश्चय करे। वो जो कवि की अपनी रचना के प्रति वो जैसी तैसी क्यों ना हो आसक्ति है, उससे लिखने के बाद थोड़ी मुक्ति आवश्यक है। अगर उस आसक्ति में ही आप फंसे रहे तो फिर शायद आप स्वयं अपनी कविता के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे। बहुत कवियों को शिकायत होती है और उचित ही होती है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी शिकायत कभी दर्ज नहीं होती कि स्वयं कवि अपनी कविता के साथ कितना अन्याय करते हैं। जो कुछ आपने लिखा वो जरूरी नहीं है कि प्रकाशन के योग्य हो या संग्रहणीय हो। ये समझ, ये संवेदना, ये विवेक और इतनी निर्ममता आप में होनी चाहिए कि आप देख पाए कि कहां किसी कविता में आपकी आवाज दूसरी आवाजों के तुम्बुल में खो रही है, या कि आपकी आवाज अपनी पहचान नहीं बना पा रही, और इसलिए उन कविताओं को अलग कर देना चाहिए। ये कोई आपको सलाह नहीं देगा, हालांकि आपके पास ऐसे मित्र होने चाहिए। मेरे एक ऐसे सख्त मिजाज मित्र थे, जितेंद्र कुमार, जो जिन्होंने हर समय मुझे सख्ती से चेताया है, और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं। जी, और आगे बढ़ते हैं। जब हम इस सुदीर्घ कवि कर्म को देखते हैं तो निश्चय ही एक आश्वस्ति का भाव हमारे भीतर साहित्य को लेकर और आप जैसी पूर्ववर्ती पीढ़ियों के लेखकों को लेकर उभरता है, कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिलती है। मगर अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस सुदीर्घ कवि कर्म जो लगभग 7 दशकों का है, तो इसमें आपका हासिल क्या है, किस तरह का और कितना हासिल आप स्वयं पाते हैं? जी देखिए, हासिल मैंने क्या किया कविता में ये तो फैसला दूसरे करेंगे, ये आकलन करना दूसरों का काम है। मैं तो ऐसा आकलन स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा हासिल तो कविता ही है। और कविता लगभग जीजी उषा का पर्याय बन गई। फिर जिन मित्र को याद कर रहा था, जितेंद्र कुमार, उनकी एक कविता है, ऐसे भी तो संभव है मृत्यु, तो उसमें थोड़ी सी तरमीम करके मैं कहूं कि ऐसे भी तो संभव है कविता। तो एक दूसरे किस्म का जीवन बिताते हुए, जिसमें बहुत सक्रियता थी और बहुत सारे बोझ हमने अपने ऊपर खुद ही लाद लिए थे, उसमें भी तो संभव हुई कविता। और कविता लिखते, पढ़ते, समझते, समझाते एक भरा पूरा जीवन जिया और बिताया जा सकता है, ये अपने लिए तो कम से कम मैंने साबित किया। अब अगर आप याद करें तो पिकासो ने कहा था, मैं खोजता नहीं हूं, पाता हूं। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे को तो कवि ने कहा है कि कवि हूं पाया है प्रकाश, तो जितना प्रकाश निराला को मिला उतना तो बहुतों बहुत कम के हिस्से आएगा। लेकिन ये जो प्रकाश पाता है कवि,
जितना भी पाता है वो खोज के नहीं पाता है, वो उसे मिलता है। और ये निरे सौभाग्य की बात नहीं है, ये कुछ ना कुछ जतन भी इसमें है, कुछ ना कुछ एक 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 तरह की दुस्साहसिकता भी इसमें है। आपको बैठे बैठे जैसे धूप मिल जाती है खिड़की के बाहर, वैसे कविता नहीं मिलती है। कविता तो हासिल करनी पड़ती है, और वो हासिल करना आपके जीवन को, जीवन का एक विस्तार भी है और उस जीवन का पर्याय भी है। कम से कम कवि सबसे अधिक जीवन तो कविता में ही पाता है। ये गोलमोल सा है तो चलिए ठीक है। और एक दो प्रश्न और लेते हैं। हमारे साथ उदय भानु पांडे जी जुड़े हुए हैं, तो उनका प्रश्न पहले ही आ गया था, तो उसे हम यहाँ स्क्रीन पर रखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। जी मैं रख रहा हूं। दो प्रश्न हैं उनके, उदय भानु पांडे जी के। वे पहला प्रश्न यह है कि आपको पढ़ते और सुनते हुए यह एहसास होता है कि काफी जटिल अनुभवों ने आपके लेखक को गढ़ा है। मुझे यह भी महसूस होता है कि अंग्रेजी भाषा की डिसिप्लिन ने आपको बेहतर क्रिटिक बनाया है। यदि आप केवल हिंदी के सहारे होते तो आपका व्यक्तित्व इतना बहुआयामी न होता। डू यू एग्री? ये वे सवाल कर रहे हैं उदय भानु पांडे जी। देखिए, ये तो आपके समझ और विश्लेषण की बात है, लेकिन ये सही है कि अंग्रेजी ने, और अंग्रेजी, देखिए मैं तो बीए तक हिंदी माध्यम से ही पढ़ा, तो मैं पूरम पूर अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति नहीं हो रहा। मैंने एमए अंग्रेजी में किया, एक आध दो बरस अध्यापन भी किया, पर मैंने अंग्रेजी साहित्य बहुत मनोयोग से और पढ़ा है, तो उसका प्रभाव मेरी भाषा पर, मेरी कविता पर, मेरी आलोचना सब पर है। बल्कि मैं तो ये कहता रहा हूं कि अगर आपको अच्छी हिंदी लिखनी है तो आपको तीन और भाषाएं जाननी चाहिए, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी। तो ये सही है आपका आकलन कि अंग्रेजी ने मुझे प्रभावित किया है। दूसरा और इनका दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं। उस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी जब हमने आपके गुरुओं को लेकर बात की थी। उनका दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने साहित्यिक दीक्षा अवध के बलरामपुर इंटर कॉलेज में पाई, जहां गंगा जमुनी तहजीब थी। मेरे शिक्षक उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के साथ अवधी में भी निष्णात थे, जिनके बिना मैं कुछ भी न होता। उनका प्रश्न यह है कि आपकी स्कूली शिक्षा ने क्या आपको उच्च शिक्षण संस्थानों की अपेक्षा अधिक सिखाया? मेरा एक जी मेरा एक दुर्भाग्य ये रहा कि यद्यपि मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ और शिक्षा दीक्षा भी मध्य प्रदेश में हुई, हिंदी के माध्यम से हुई, लेकिन बुंदेलखंडी जो कि सागर की बोली थी उसमें मेरी कोई गति नहीं हो पाई। मेरे छोटे भाइयों इत्यादि की हुई, लेकिन मेरी नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय हमारे परिवार में हमारे पिता उत्तर प्रदेश से आए थे, तो ये गवारों की बोली थी बुंदेलखंडी, नौकर वोकर बोलते थे, तो इसलिए मुझे जो बुंदेलखंडी का धरतीला संस्पर्श मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो हालांकि मैंने बाद में कई बार बहुत सारे शब्द जो बुंदेलखंडी के मुझे याद आए, उसकी वनस्पतियां इत्यादि, उनका इस्तेमाल अपनी कविता में किया है, लेकिन मैं खड़ी बोली का ही कवि हूं,
किसी और बोली का नहीं, और उसकी अंतर्ध्वनियां भी मेरी कविता में नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। और आगे बढ़ते हैं। आप कई बार कई जगहों पर साहित्य की व्यर्थता का मुद्दा भी उठाते रहे हैं, हालांकि उसमें भी यही छाया आती है, यही बोध होता है, और शायद यह सही भी हो कहना कि कहीं ना कहीं हम जिससे लगाव करते हैं, जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, हम उस पर क्षोभ भी प्रकट कर सकते हैं। तो यह जो इस तरह की जो व्यर्थता है, इसका एहसास इन दिनों किस तरह आपके पास है? देखिए, एक तो ये मुद्दा मैंने, जहां तक मुझे याद है, तब उठाया था जब साहित्य से बहुत सोद्देश्यता और साहित्य से बहुत क्रांतिकारिता, साहित्य से कुछ ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा या उम्मीद की जा रही थी जो साहित्य कर नहीं सकता, लेकिन उससे ये उम्मीद थी। और एक तरह का साहित्य का सामाजिक महिमा मंडन था, जैसे कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, और इन दिनों ये लांछन लगता था कि हम लोग जो बार बार समाज की बात नहीं करते अपनी वैधता साबित करने के लिए, वो समाज से दूर और निरपेक्ष लोग हैं और उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। हम हिंदी साहित्य की जो सामाजिक धारा है उससे अलग पड़ गए लोग हैं इत्यादि। तो मैंने उस समय ये सवाल उठाया था कि ये अगर आप हमसे साहित्य में समाज में कुछ करने की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हमारा हमारी दृष्टि इतनी समाज ग्रस्त नहीं है, तो आपकी दृष्टि जो बहुत समाज ग्रस्त है, उसी की समाज में क्या जगह है? तो समाज में जगह को बहुत बड़ा तत्व बनाने वाले लोग ये नहीं मानने को तैयार थे, ये नहीं देख पा रहे थे कि वो उस समाज में हाशिए पर हैं। तो इस अर्थ में और एक दूसरे अर्थ में कि साहित्य जिस तरह की समरसता, परस्परता, आपसी सद्भाव, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, मददगारी, मानवीयता, ऊष्मता, ऊष्मा आदि की कल्पना करता है या उनको खोज पाता है जीवन में, वो सामाजिक परिदृश्य में कितनी निष्क्रिय है या कितनी कम है या कितने हाशिए पर है। इस समय जो स्थिति है उसमें तो साहित्य की व्यर्थता एक दूसरे अर्थ में सिद्ध हो रही है, जो असल में साहित्य की सार्थकता का ही सत्यापन है। हिंदी साहित्य हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके द्वारा फैलाए गए पाखंडों, झूठों, हिंसा हत्यारी मानसिकता के लिए सर्वथा अप्रासंगिक है, अनुपयोगी है। वो इन सारी शक्तियों के लिए हिंदी साहित्य व्यर्थ है। और चूंकि हिंदी साहित्य इन सबके लिए व्यर्थ है, इसी व्यर्थता में उसकी सच्ची सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सार्थकता छुपी हुई है। ये आकस्मिक नहीं है कि हिंदी अंचल में
इस समय उसका साहित्य ही इन शक्तियों का सच्चा राजनैतिक प्रतिपक्ष है, दूसरे दल नहीं, राजनैतिक दल नहीं, और इस बात को पहचानने की जरूरत है। हाँ, हम व्यर्थ हैं क्योंकि आप हमारा बेजा, अमानवीय, समाज विरोधी, धर्म विरोधी, सांप्रदायिकता बढ़ाने वाला, घृणा फैलाव इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, और कई लोग इन बातों को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यह जो इस पर भी सवाल है, तो क्यों नहीं हम इस अवसर पर कुछ और सवाल ले लें इसी विषय पर। हमारे पास एक दो सवाल हैं, मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं उनको। जी, यह हमारे साथ है, एक मिनट, बंशी माहेश्वरी जी का यह सवाल है। वे पूछ रहे हैं कि जीवन की जिसकी, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा आगे बढ़ गया जी। जीवन की इस नानाविध यात्रा में आपने बहुत कुछ कहा, सुना, करा, सहा, असंख्य बार कूढ़ मगजियों से मुठभेड़ भी हुई, हालांकि वे अभी भी यत्र तत्र सर्वत्र हैं। तो हे तात, कृपा कर इन 8-10 वर्षों में दसों दिशाओं में जो नवोदित कूढ़ मगजियों, अज्ञानियों का मजमा लगता जा रहा है, उनसे मुठभेड़ करने की कोई सरल विधि बताकर उपकृत करें। एक खास अंदाज बंसी जी का। जी, सरल विधि तो कोई नहीं है। बिना अपने को जोखिम में डाले इस कूढ़ मगजी और शक्ति प्रदर्शन और दबंगई और बलात्कारी बुलडोजी मानसिकता का विस्तार, अज्ञान का महिमा मंडन, इस सब से मुक्ति का कोई सीधा सरल रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके विरुद्ध निजी और सृजनात्मक और वैचारिक संघर्ष करना बंद कर दें। हम में से हर एक को जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समता, न्याय के मूल्यों में, संविधान में, उनकी अपर्याप्तताओं के बावजूद विश्वास करते हैं, मानवीय बिरादरी में, आपसदारी में, सर्वधर्म संभाव में, उनको इस संघर्ष को निजी स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और जब जरूरत पड़े तो सामाजिक स्तर पर भी करते रहना चाहिए। इसकी परवाह किए बिना कि हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा काम इन मूल्यों की, इस भारतीय संस्कृति की उज्जवल परंपरा की रक्षा करना है। हम कर पाएंगे कि नहीं, पर हमको संघर्ष से किसी चतुर चुप्पी में, किसी कायर निष्क्रियता में पनाह नहीं लेनी चाहिए। और इसी कड़ी में एक और सवाल हम ले रहे हैं, इसी सवालों का जो एक छोटा सा वीडियो है उसमें हमारे साथ संजीव बख्शी जी भी जुड़े हुए भी हैं। उनका प्रश्न है, थोड़ा सा वे कुछ और बातचीत करते हैं, एक आपके जीवन कर्म को एक समग्रता में देखते हुए अपनी बात रखते हैं। अशोक जी, आप कई भूमिकाओं में पूरी सक्षमता के साथ सामने आए,
अधिकारी के रूप में और भारत भवन को बनाने में आपका योगदान रहा। आपने कविताएं लिखी, सबने पसंद की, आपके गद्य को सराहना मिली, मंच पर आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है, रजा फाउंडेशन के लिए आपने बड़ा काम किया। इस तरह से हर भूमिकाओं में आप आते रहे हैं। आपको इन सब में सबसे ज्यादा आनंद किस भूमिका में काम करते हुए आया? संजीव बख्शी जी का प्रश्न। देखिए, ये कठिन प्रश्न है, और फिर भी मैं ये कहूंगा कि मैं बाकी सारी भूमिकाओं को अपनी कवि भूमिका के ही तरह तरह के संस्करण मानता हूं। मैंने जो कुछ किया है वो बुनियादी तौर पर एक कवि के रूप में किया है। सारी सामाजिक सक्रियता, संस्था निर्माण, संस्था संचार, आलोचना, संपादन, वक्तव्य, तरह तरह के उपक्रम, ये सब मैंने इसलिए किए हैं, मैं कवि हूं। और मैं जीवन में, समाज में और भाषा में और कई तरह के अनुशासनों में भी कविता ही सोच खोजता रहा हूं और पाता रहा हूं। मुझे रंगमंच का श्रेष्ठ कविता लगता है, मुझे संगीत का श्रेष्ठ कविता लगता है, मुझे नृत्य का और ललित कलाओं का श्रेष्ठ कविता लगता है। तो आप कह सकते हैं कि मैं एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास कविता के अलावा किसी दूसरी तरह की आंखें नहीं है। मैं कविता अंध व्यक्ति हूं, कविता अंध। आप जी जी। और मित्रों, आज भी कई नए शब्द गढ़े जा सकते हैं, बन सकते हैं, जिसके लिए अशोक जी जाने जाते रहे हैं। तो आगे हम बढ़ाते हैं इस बातचीत को और भाषा को लेकर भी कुछ बात करते हैं। और भाषा पर बात करने से पूर्व एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूं, ताकि थोड़ा आपको विराम भी मिले। कभी कभार स्तंभ में आप अपने एक आलेख साहित्य क्यों में लिखते हैं, जो अशोक वाजपेयी रचनावली भाग 7 में संकलित है। उसमें आप एक जगह लिखते हैं कि साहित्य साधारण की महिमा, गरिमा और अर्थ का आख्यान करता है। साहित्य भाषा को, इसलिए मनुष्यता को अर्थहीन बकवास या नारा या सरलीकरण का माध्यम होने से बचाता है। और इसके पूर्व भी आप साहित्य में जो सत्य के विविध रूप हैं उसकी स्वीकारोक्ति की बात करते हैं। तो यह जो सत्य है और यह जो सत्य के विविध रूप हैं, इसको लेकर जो आपने वर्तमान राजनीतिक स्थितियों की चर्चा की, वहां भी कहीं ना कहीं यही गड़बड़ी है कि हम उस बहुलता को समझ नहीं पा रहे हैं, हम सत्य के उन विविध रूपों को नहीं जान पा रहे हैं। और कई बार हम किसी पूर्वाग्रह के अंतर्गत भी सरलीकरण करने लगते हैं, जिससे समाज को एक बड़ी क्षति होती है। तो साहित्य में भाषा के प्रति किस तरह की संवेदनशीलता आप स्वयं अपनाते रहे, हम सभी जानते हैं। और आज जो हमारे तमाम लेखक गण हैं उनके लिए, या जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए, भाषा और साहित्य के बीच किस तरह वे स्थिति बनाएं, किस तरह वे सजग रहे, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, भाषा को लेकर एक बुनियादी बात तो हमको ये सहज ही स्वीकार कर लेनी चाहिए कि साहित्य भाषा का कर्म है। बिना भाषा के साहित्य संभव नहीं है। साहित्य का मतलब, साहित्य
भाषा से ही उपजा है और भाषा ही उसका उपजीव्य है। एक जमाने में जब मैंने भाषा पर कुछ आग्रह करना शुरू किया तो एक आरोप ये लगाया जाता था कि मैं यथार्थ के बजाय भाषा पर अधिक आग्रह कर रहा हूं। मित्रों, साहित्य में तो यथार्थ भी भाषा का ही यथार्थ है, भाषा में ही यथार्थ है, और व्यापक जीवन में भी यथार्थ भाषा से स्वतंत्र कहीं नहीं है। आप भाषा से ही स्वतंत्र यथार्थ को पहचानते हैं, उसको चरितार्थ करते हैं, उसको खोजते हैं, पाते हैं, गंवाते हैं। तो भाषा और यथार्थ के बीच कोई अंतर विरोध या द्वैत नहीं है। भाषा ही साहित्य का सबसे प्रामाणिक यथार्थ है। आप निराला को, प्रसाद को, अज्ञेय को, शमशेर को, श्रीकांत वर्मा को, निर्मल वर्मा को, कृष्णा सोबती को, कृष्णमल देव वैद को, जो हमारे बड़े लेखक हैं, इनमें से किसी को अलग से कैसे पहचानते? उसकी भाषा से। जैसा निर्मल लिखते थे वैसा कृष्णा सोबती नहीं लिखती थी, और जैसा कृष्णा सोबती लिखती थी वैसा वैद साहब नहीं लिखते थे, और जैसा वैद साहब लिखते थे वैसे ये दोनों नहीं लिखते थे। तो भाषा तो एक की केंद्रीय उपस्थिति है साहित्य में। उस पर आग्रह करने का मतलब यथार्थ का प्रतिरोध करना या निषेध करना नहीं है, सिर्फ ये याद दिलाना है कि सारा यथार्थ, सारी विडंबनाएं, मानवीय उपस्थिति, सामाजिक सच्चाई ये साहित्य में भाषा में ही आएगी, उसके वहां आने का कोई और जरिया या साधन नहीं है। तो नए लोग, मुझे कई बार लगता है युवा लोग, और ये इसी पीढ़ी के युवा लोग नहीं, से पहली की पीढ़ियों के भी युवा अक्सर भाषा को लेकर लापरवाह रहे हैं, शिल्प को लेकर भी लापरवाह रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे पास यथार्थ का इतना बड़ा जखीरा है कि हम उसको उड़ेल देंगे तो भाषा अपने आप ढल जाएगी। ऐसा नहीं होता। भाषा बहुत कठिन माध्यम भी है, वो काम चलाऊपन को प्रतिरोध भी देती है। तो ये समझ सकना चाहिए कि जैसी तैसी भाषा से काम नहीं चलेगा, उससे साहित्य नहीं बनेगा। आपको कुछ लाइक्स वाइक्स मिल जाए इस मूर्ख माध्यम से वो अलग बात है, लेकिन उससे कोई साहित्य में कुछ होने वाला नहीं है। भाषा पर काम करना होता है। कविता पत्तियों की तरह पेड़ पे नहीं उगती कि आप जाके चुन लें पांच पत्तियां। कविता बनानी पड़ती है, कविता रचना है। और आप देखें कि भाषा के, विनोद कुमार शुक्ल की भाषा और दूसरी तरफ ऋतुराज की भाषा, तीसरी तरफ चंद्रकांत देवताले की भाषा, विष्णु खरे की भाषा, ये सब समवयसी हैं, पर इनकी भाषाओं में कितना अंतर है। और ये अंतर उस भाषा में, उनकी कविता में चरितार्थ हुए यथार्थ का भी अंतर है। तो भाषा के प्रति लापरवाही जब भी बड़ा परिवर्तन साहित्य में हुआ है, वो परिवर्तन वैचारिक कितना है इतना मैं नहीं जानता,
लेकिन बुनियादी तौर से वो भाषिक परिवर्तन भी है। ये बात मुक्तिबोध के बारे में भी सही है और शमशेर के बारे में भी सही है और अज्ञेय के बारे में भी सही है। तीनों की अलग अलग भाषाएं हैं और तीनों ने भाषा में परिवर्तन किया है। तो भाषा पर, भाषा की अवहेलना एक तरह से साहित्यिक कर्तव्य में चूक है और ये एक नैतिक चूक है। भाषा को बचाना, भाषा को संवारना, भाषा का परिसर मानवीय और ऊर्जस्वित बनाए रखना, ये सब जिम्मेदारी नागरिकों की उतनी नहीं है जितना लेखकों की है। और इसलिए वो भाषा की अवज्ञा करके, उसकी अवहेलना करके कुछ सार्थक कभी नहीं कर सकते, टिकाऊ तो कभी कर ही नहीं सकते। जी, और मुझे यहाँ पर यह भी लगता है कि जब हम अपने गांवों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, तो जो वहां जिस तरह की बोलियां बोलते हैं, जो वक्रता है, सहज स्वाभाविक वक्रता है, हम कई बार उसको भी नहीं समझना चाहते, या कई बार हमारा स्वयं का उतना विस्तार नहीं है और कहीं ना कहीं हम हड़बड़ी में भी हैं, जिसके कारण भी हमें लगता है कि हम अपने ही लिखे को कई कई ड्राफ्ट नहीं दे पाते, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। ये दोनों चीजें भी हैं कि हम हड़बड़ी में हैं, हम शॉर्टकट अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी बोलियों से भी बहुत दूर हुए हैं या जान भी रहे हैं तो उसको रचने में नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी आपने स्वीकारोक्ति भी की कि आप बुंदेलखंडी को उस तरह से नहीं ला पाए जो रेणु ला पाते हैं या जो और दूसरे लेखक ला पाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो मैंने ये कहा कि ये भाषा बनाने और संवारने और उसको रचने बचाने का काम लेखकों का है, लेकिन नागरिक भी अपने ढंग से नए नए शब्द गढ़ते हैं। मेरी एक कविता है चमकतार, गद्य कविता है, वो इस बात को दर्ज करती है कि जब मैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ता था तो दिवाली दशहरे की छुट्टियों में घर जाता था सागर, तो एक पठानकोट एक्सप्रेस चलती थी, वो बीना उतारती थी और फिर वहां से एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली पैसेंजर गाड़ी में सागर हम पहुंचते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम गाड़ी में जा रहे थे पहले, और तीसरे दर्जे का डब्बा होता था उस जमाने में, तो हालांकि मैं अकेला या एक आध कोई और लोग थे, हम लोग तो डब्बे की बेंच पर बैठे थे, लेकिन तीन चार किसान आए और वो उसके फर्श पर बैठ गए, वो बेंच पे नहीं बैठे। अब उसी समय बारिश हो रही थी और सूर्योदय भी हो रहा था, तो जो पानी की बूंदें थी वो चमक रही थी धूप से, तो वो कुछ सुनहरी सुनहरी लग रही थी। तो एक किसान दूसरे किसान से बोला, देखो कैसो चमकतार बरस रहो। अब ये चमकतार शब्द जो है ये कितना व्यंजक है, चमक रही है, तार जैसी लग रही है, इसलिए वो बारिश कैसो चमकतार बरस रहो। मैं सागर पहुंचा, वहां उस समय एक बुंदेलखंडी पीठ भी था सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, हमारे मित्र कांति कुमार जैन वहां थे, वो बुंदेली का कुछ कोश भी उन्होंने बनाया था, तो मैंने उनसे पता किया कि क्या चमकतार नाम का कोई शब्द बुंदेलखंडी में है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई शब्द नहीं। तो मुझे बड़ा रोमांच अनुभव हुआ कि मैंने एक साधारण व्यक्ति को एक दृश्य को देखकर एक नया शब्द गढ़ते देखा। तो अभी भी जब कविता में, बल्कि कहानियों में ये ज्यादा हुआ है, कविता में भी जब तब हुआ है, जब कोई ऐसा बोली का कोई शब्द या बिंब आ जाता है तो यकायक वो कविता या कहानी का वो प्रसंग चमक उठता है, एक नई दीप्ति से उसमें आ जाती है, क्योंकि जो बोली के शब्द हैं वो बहुत व्यंजक हैं और उनका उपयोग, हमारा एक दुर्भाग्य हिंदी का
ये भी रहा है कि पिछले 60-70 वर्षों में हमने हिंदी की अपनी बोलियों की बड़ी अवज्ञा की है। हिंदी में 40 बोलियां हैं जनगणना आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार, और छोटी छोटी बोलियां भी हैं और बड़ी बड़ी बोलियां भी हैं, लेकिन जब भी इनमें से किसी का उपयोग खड़ी बोली कविता में किसी न किसी रूप में, किसी बिंब या छवि या अंतर्ध्वनि या शब्द के रूप में होता है, तो एक नई चमक आती है इससे। क्या बिल्कुल। और आप तो स्वयं कृष्णा सोबती जी के इतने करीब रहे, वे लगातार जिंदगी नामा हो या दूसरे उपन्यास हो, मित्रों मरजानी हो, वो किस तरह से उन शब्दों को लाती हैं, और देवेंद्र सत्यार्थी या स्वयं रेणु तो समाज के बीच जाकर उन आवाजों को टेप भी किया करते थे। ऐसे कितने संग्रह इन लोगों ने यहाँ पर साहित्य में उसके बहाने भी लाने के काम किए अपनी कृतियों में। एक और प्रश्न भाषा को ही लेकर हमारे पास है शिव दयाल जी का, उसे हम ले लेते हैं, कुछ एकाध उसमें पॉइंट कुछ दूसरे भी हैं। शिव दयाल जी पूछ रहे हैं कि सोच और सरोकार, तीन चीजें मिलाई हैं उन्होंने, सोच और सरोकार, बल्कि भाषा के स्तर पर भी आपकी पीढ़ी और आज जो सक्रिय है उस पीढ़ी में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? यह फर्क उम्मीद बंधाने वाला है या निराशा पैदा करने वाला? देखिए, हमने आलोचना में पिछले कई दशकों से पीढ़ियों के विभाजन के रूप में सोचना शुरू किया है। इससे कुछ जो सामान्यीकरण हम करते हैं वो एक पूरी पीढ़ी पर चस्पा कर देते हैं। हर पीढ़ी में, जहां तक मैं जानता हूं, मेरी समझ है, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सोच, सरोकार और भाषा के स्तर पर सजगता और संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता दिखाई है। पर ऐसे भी बहुत लोग रहे हैं जो इस से अपने को मुक्त मानते रहे। हमारी पीढ़ी में भी ऐसे लोग थे जो भाषा और सोच सरोकार के अभिप्रायों को विशेष महत्व नहीं देते थे। तो नई पीढ़ी में भी होंगे, युवा पीढ़ी में भी हैं, तो इसलिए सामान्यीकरण करने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी इस सामान्यीकरण से मैं नहीं बचना चाहूंगा कि भाषा के प्रति और शिल्प के प्रति इस समय ज्यादा लापरवाही है, और ये निराश करने की बात है, क्योंकि इस लापरवाही के कोई सार्थक परिणाम पहले कभी नहीं हुए, तो आज कैसे होंगे? जी, कुछ और बातचीत भी करेंगे और कुछ प्रश्न अभी और हैं, और मैं मित्रों से भी अनुरोध करता हूं कि हम लोग 1.5 घंटे में, अभी कुछ वक्त है वहां तक पहुंचने को है, तो हम अभी अशोक जी से आग्रह करते हैं कुछ कविताएं सुनते हैं, तो थोड़ा एक अंतराल, एक थोड़ा स्वाद बदलेगा, और उसके बाद फिर कुछ और प्रश्नों को भी लेंगे। तो पहले कुछ एक कविताएं और कुछ प्रश्न अभी और हैं मित्रों, तो फिर उसको हम लेंगे। जी मेरा भी एक नया कविता संग्रह आया है, अपना समय नहीं, जी जी स्वागत। ये सेतु प्रकाशन से, और उस पर बहुत अच्छा चित्र स्वामीनाथन के बेटे और मेरे मित्र हर्षवर्धन का है। इसमें मैंने
सात कोरस लिखे। कोरस आप जानते हैं कि एक ग्रीक नाट्य युक्ति थी। ग्रीक नाटकों में बीच बीच में कोरस आते हैं। ये अनाम लोगों का एक समूह होता है जो टिप्पणी करता है जो नाटक में हो रहा है, और कई बार वो आगे क्या होने वाला है ये भी सूचित करता है, और एक तरह के विजडम, एक तरह के विवेक की को उद्बुद्ध भी करता है। तो ये मान करके हमारे यहाँ जो हो रहा है वो एक तरह का नाटक है, जिसे ये कहना कि वो ट्रेजेडी है और ये भी कहना कि वो कॉमेडी है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उनके दोनों के बीच में है। बहुत सारा उसमें है जो हास्यास्पद है, बहुत सारा है उसमें जो बहुत दुखद है। वो कोरस में से मैं कुछ सुनाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक और कविता जो पिछले वर्ष मैंने जनवरी में लिखी थी, जहां हूं कहां, जहां हूं वो कहां है, वहां सब कुछ बीत चुका है। आयु, वृक्ष, समय, आंखों में बार बार भर आता जल। जहां हूं वहां आरंभ में अभी देर है कितनी, लेकिन प्रतीक्षा का अवकाश नहीं है। सभी इबारतें अपाठ्य हैं, पुरखे कवि अलसाए सो रहे हैं। मृत्यु की आभा अभी मलिन होना है, जहां हूं वो कहां है। आवाज दिगंबर है पर उस पर धूल की महीन परत है, और सपने कमजोर पड़ गए हैं, गारे की तरह झर रहे हैं। ईश्वर के विधान से बाहर कोई गलियारा है जहां शब्द बिलख रहे हैं। जहां हूं वो कहां है। मातृहीन घर के दरवाजे घाव की तरह खुले हैं, खुली हैं खिड़कियां जिनके पार एक मुरझाई ऋतु का प्रणय गान रह रह कर रुकता और डूब जाता है। जहां हूं वो कहां है। अभी देर नहीं हुई है, हल्की आंच में शब्द पक रहे हैं। अभी आरंभ का चूल्हा बुझा नहीं है, भाषा की लपटें ऊंची उठेंगी और उस आकाश को जलाकर खाक कर देंगी जो स्मृति में बसा है। जहां हूं वो कहां है। तो ये तो अब ये कोरस में से तीन चार। पहला कोरस, आपने हमें बुलाया नहीं है पर हम आपके सामने हैं। जो भी अप्रत्याशित संसार में घटता है हम उसके बाद आते हैं ये बताने कि अप्रत्याशित अवश्यंभावी था। हम दूर से देर तक सच्चाई देखते हैं और हमें तरस आता है मनुष्य की हालत पर, इसीलिए हम बिना बुलाए आते हैं। पत्तियां झर रही हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, वे सिर्फ दृश्य हैं। बहुत कुछ झरता रहता है चुपचाप बे आवाज, बहुत कुछ दृश्य में आने से छूट जाता है। हम उस छूटे हुए को याद करने आते हैं। जो चला गया, झर गया, वो कभी वापस नहीं आता, हम यही जताने आए हैं। हमें सुनाई देती हैं चीखें और प्रार्थनाएं, विलाप और अट्टहास, गुर्राहट और गिड़गिड़ाहट। हमें पता है कि इनमें से कोई भी काफी नहीं, कुछ भी कभी पूरा नहीं होता। हम अधूरेपन की अनिवार्यता की गवाही देने आते हैं। ये जो सिंहासन पर बैठा है लकदक, हर पहर पहरावा बदलता हुआ, यह जो आग उगल रहा है दूसरों के घर जलाने के लिए लोगों को उकसाता हुआ, यह जो चीवर पहने अपने कमंडल से हर पल घृणा उड़ेल रहा है, ये जो हत्या करने के बाद पुजारी बनकर मालाएं पहन रहा है,
इन सब का पैरहन कागजी है, जो बूंद पड़े गल जाएगा, हम अंत पर नहीं अंत के पहले आते हैं। वाह तीसरा कोरस, जी, इस बार हमें आने में देर हुई है, शहर में हर जगह खुदाई चल रही है, रास्तों पर बहुत भीड़ है, हर कोई जाने पहुंचने की जल्दी में है और दूसरे किसी को रास्ता नहीं दे रहा है। इस आपाधापी में हम फंसे देर आए हैं। दृश्य बहुत लोहित है, भव्य की क्रूरता, दिव्य की हिंसा, वैभव की निसंगता, सब एक दूसरे के बगल में है। हर जगह तमाशा हो रहा है, हर आदमी हमलावर, हर रंग लहू का रंग बनता जा रहा है। ये सब होता आया है, होता रहेगा, पर इस याद से जो हो रहा है उससे कोई राहत या छुटकारा नहीं मिल सकता। मालाएं पहनकर नृशंस निरपराधों के संहार का उत्सव मना रहे हैं। किसने सोचा था कि हम ऐसे दिन देखेंगे कि अच्छे दिन इतने लहू लुहान आएंगे? सड़कें धुलती हैं तो लहू के धब्बे भी धुल जाते हैं, फिर किसी सड़क पर कहीं जमे रहने के लिए। हर खूनी रास्ता किसी मंजिल तक नहीं, एक और खूनी रास्ते की तरफ जाता है। झूठी खबरों का इतना खजाना हर एक के पास है कि किसी को खबरदार किया ही नहीं जा सकता। हम अंत की नहीं आरंभ की खबर लाए हैं, जिसकी किसी को कोई दरकार नहीं। चौथा कोरस, नहीं हम दूर से नहीं, यहीं आपके पड़ोस से आए हैं। हम साफ सुथरी बस्ती से नहीं, कीचड़ बदबू और गंदे पानी से पटी गली से आए हैं, और अगर कुछ बदबू हमारे कपड़ों से आ रही है तो हम माफी चाहते हैं। हमारे पास कुछ खास देने को नहीं है, हम खाली हाथ लोग हैं, जो कुछ सिखाने नहीं, जो हो रहा है, जो होता आया है, उसकी याद दिलाने भर आए हैं। हत्याएं कर सत्तारूढ़ होते आए हैं लोग, और उनके अपराध अदालतों की मिसलों में नहीं, अंतःकरण की एक पीली बही में दर्ज होते हैं, जिसे कई पीढ़ियों बाद कोई पढ़ता और याद कर पाता है। जो औरों को मारता है वो भी मरता ही है, भले पाक साफ माना जाता हुआ और राजकीय सम्मान से। उसके रंगे हाथों का खून फिर भी न चिता में जल पाता है, न कब्र में दफन। निरपराधों का खून इतिहास में कभी नहीं सूखता। हर बार खून बहे ये आजकल जरूरी नहीं है। बहुत हिकमतें हैं मारने की कि खून बहे ही नहीं, बदन में ही सूख जाए। सबूत नहीं बचते पर आत्मा फिर भी बची रहती है और इतिहास के गलियारों में भटकती बोलती है। साल भर एक सा मौसम नहीं रहता, नहीं झूठ और घृणा हर समय हवा की तरह फैल सकते हैं। बदलने पर कुछ न कुछ नष्ट होता है, पर याद नहीं। हालांकि याद भी एक तरह का ध्वंस है, तो कभी कभी अपने को भी नष्ट कर देती है। आप हमें पड़ोसी न माने, पर हम पड़ोस से ही आए हैं। छठवां कोरस, एक बेहद नाउम्मीद समय में, इस बेहद नाउम्मीद समय में, इस बेराहत अंधेरे में, इस स्वप्नहीन माहौल में हम उम्मीद बनाने आए हैं। आप खौखियाएंगे और हमें भगाना चाहेंगे। हम बेशरम अनायक हैं, बेसहारा और बेठिकाना लोग हैं। हम अपमानित होकर भी अपनी बात कहते हैं। हम मटमैले हैं और अपमान और अस्वीकार के बाद भी मटमैले ही रहेंगे। जिन्हें मिटाने की जल्दी होती है, उन्हें मिटने की जल्दी नहीं होती।
फिर कुछ रच पाने का समय बीत जाता है और वो फिर बाद में कभी नहीं आता, उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं लगती। इस बहुत सारे मलबे पर बसे नए शहर में उम्मीद की जगह खोज पाना कठिन है, फिर भी वह होती है कहीं दुबकी छुपी बैठी, हम उसे पुकारने आए हैं। हमें पिता पता है आपको उम्मीद की दरकार नहीं, क्योंकि आप सब कुछ पा चुके हैं। हम आपको नहीं औरों को उम्मीद का पता देने आए हैं। आपका सिर्फ चमकता दमकता डराता वर्तमान है, उनका निडर भविष्य है। जगहें सब भर दी जाएंगी या मिटा, फिर भी कुछ बची रहेंगी अंधेरों में, वहीं से सपने उठेंगे, उम्मीद जागेगी और समय बदलेगा, हम समय से थोड़ा पहले यही बताने आए। और ये आखिरी सातवां कोरस हमारे शोक गीत का ये अंतिम चरण है। सत्ता दर्प घृणा अन्याय हत्या के उदय और अस्त की कथा जब एक बार फिर घटती और पूरी होती है अनिवार्य दोहराव की तरह, तब और जब इतिहास शोक नहीं मनाता, तब हम पहचानने की कोशिश करते हैं भयानक रौरव के बाद भी बचे प्रेम को, न्याय को, सुंदरता और गरिमा को। हम यही बताने आते हैं कि सच लहू लुहान होकर भी हार नहीं मानता, और कितना ही फटे हाल क्यों न हो गया हो, चलता रहता है और उसकी रोशनी देर सबेर सब पर गिरती है। जो पाप करते हैं और मरते हैं, जो दूसरों का जीवन मुहाल कर मरते हैं, जो अपने लिए सबकी बलि देकर मरते हैं, जो घृणा और झूठ में पलते और मरते हैं, जो दूसरों को गुमराह कर मरते हैं, उनका मृत्यु अंतिम मुकाम है। वे उसके बाद इतिहास में नहीं आते, मृत्यु उन्हें जीवन और इतिहास दोनों से मिटा देती है। हम जो बचा है वो गायब न हो जाए, जो रचा गया है उसकी जगह घट न जाए, जो सहायक हुआ है वो अशक्त न पड़ जाए, हम इसकी चिंता करते हैं। हमारा शोक गीत उम्मीद और प्रतीक्षा का एक पाठ है। चलिए, हमारा शोक गीत उम्मीद और प्रतीक्षा का एक बाट है। मित्रों, यह हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात है कि हम लोगों ने आज स्वयं कवि की ओर से उनके जो नए उनका जो नया कविता संग्रह है उसमें से एक कविताएं सुनी। और कोरस, हम सभी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि इन कविताओं में किस तरह से जो समय के पद चिन्ह है उसके साथ कवि संवाद रत है। और जब इसी एकाग्र में एक से अधिक वक्ताओं ने अशोक वाजपेयी जी को एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में भी रखते हुए कई बातें की, तो मुझे लगता है कि इनमें वह ध्वनियां भी हैं, वे अनुभव भी हैं जिनसे यह कविताएं पैदा हुई होंगी। क्योंकि सामाजिक राजनीतिक स्तर पर भी जिस तरह से साहस के साथ आगे बढ़ने की जो बात है वह हम अशोक जी में देखते हैं। तो यह एक छोटी सी बात और कितनी अच्छी बात उन्होंने अपनी एक पंक्ति में कही कि हम आपको नहीं औरों को उम्मीद का पता देने आए हैं। तो ऐसे ऐसी कविताएं हमने सुनी आज, अच्छा लगा। कुछ और बात करते हैं, कविता से इधर चलते हैं, कला पर भी कुछ बात की जाए, क्योंकि वहां भी अच्छी खासी दखल अशोक जी रखते हैं। यहाँ संगीत से जुड़े हुए लोग, पेंटिंग से जुड़े हुए लोग भी आए, अपनी बात रखी। तो इसको लेकर भी थोड़ा बतलाएं कि यह किस तरह से यह जो कला सजगता है आपके भीतर, वह इस एक इंसाइडर के रूप में बहुत गहराई के साथ आपके भीतर है, उसको भी साधना आसान नहीं रहा होगा। और आप तो पहले ही अपने कविता संग्रह में
मकबूल फिदा हुसैन पर कविता लिखते हैं, और बाद में तो हम जानते हैं कई कई गायकों पर और लोगों पर आपने लिखी, तो इसको लेकर भी कुछ कहें और हम लोग या और दूसरे लोग कैसे इस चीज को साधें कि साहित्य से इतर, क्योंकि अगर हम शब्दावली की बात करें तो अगर हम संगीत को, पेंटिंग को, शिल्प को, इनको, नृत्य को, इनको नहीं जानेंगे तो संभवतः ऐसे कई कई शब्द हैं जिनसे हम, जिनकी छायाओं से, जिनकी ध्वनियों से हम उस तरह रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, उस तरह स्वयं को जोड़ नहीं पाएंगे, और उससे आपके यहाँ जिस तरह से कविता हो या गद्य भी हो उसमें एक जो बहुलता आती है या बहुस्तरीयता आती है वह कई बार जो इनसे विलग है उनमें नहीं आ पाती है। तो इसको कैसे साधे, और वर्तमान में ऐसे और कौन से लेखक आपको दिखाई पड़ते हैं जो इस काम को भली भांति कर रहे हैं? जी मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि ये समझ मुझ में कुछ जल्दी ही आ गई थी कि जो भौतिक जीवन हमें मिला है उसके कई विस्तार संभव हैं। एक तो साहित्य स्वयं हमारे भौतिक जीवन का एक बहुत मूल्यवान विस्तार है, क्योंकि हम साहित्य में जाकर दूसरों के जीवन से प्रतिकृत होते हैं। पर यही बात मुझे कलाओं के बारे में भी समझ में आई थी कि कलाओं में भी अलग अलग कला में अलग अलग जीवन है, और अगर हम जीवन से वाबस्ता होना चाहते हैं, मुझ पर कई आरोप लगे हैं तरह तरह के, लेकिन उनमें से मेरी जीवन के प्रति आसक्ति को अलक्षित नहीं किया गया है इतना मैं जानता हूं। तो ये जो जीवन के प्रति आसक्ति है उस जीवन के कई रूप कलाओं में है, संगीत में, नृत्य में, ललित कलाओं में, रंगमंच में, और वो साहित्य का स्वाभाविक पड़ोस है। ये पड़ोस था, हिंदी में भी था, हिंदी अंचल में भी था 19वीं शताब्दी तक। आप याद करें कि 19वीं शताब्दी में जो काव्य था, रीति काव्य है, उसके बाद वाला काव्य, जो नृत्य था, जो संगीत था, जो रंगमंच था, वो सब आपस में मिले जुले थे, एक दूसरे से साझा करते थे, उनके अभिप्राय, बिंबमालाएं, प्रतीक व्यवस्थाएं, आख्यान, कथानक, ये सब एक जैसे थे। जो पश्चिम प्रेरित आधुनिकता ने हस्तक्षेप किया उसने संगीत और नृत्य को तो शास्त्रीय कर दिया और उनको समकालीनता से लगभग मुक्त कर दिया, और रंगमंच, ललित कलाओं और साहित्य को आधुनिक कर दिया। तो ये जो विभाजन पैदा हुआ इसका सबसे बड़ा और व्यापक प्रभाव हिंदी अंचल पर पड़ा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लगभग सभी घराने उत्तर भारत में थे जहां से वो गायब है। वो बचे हैं तो महाराष्ट्र में या बंगाल में या धारवाड़ में, जयपुर में जयपुर नहीं, ग्वालियर में ग्वालियर नहीं, आगरा में आगरा नहीं, बनारस में बनारस खत्म, लखनऊ में लखनऊ नहीं, दरभंगा में दरभंगा नहीं, पर पटियाला में पटियाला नहीं। तो ये जो सांस्कृतिक क्षरण है ये मेरी बहुत, और मैं इसके बारे में कहता रहा हूं कि हिंदी में ये समझ आधुनिक काल में विकसित ही नहीं हो पाई कि हमको कलाओं से कुछ लेना देना है। छायावाद तक थी या अज्ञेय शमशेर तक थी। अब आप देखें कि मुक्तिबोध में कोई कला बोध नहीं है, उनके यहाँ कलाओं का कोई उल्लेख तक नहीं है जहां तक मैं सोच पाता हूं।
शमशेर के यहाँ है, शमशेर के यहाँ संगीत पर भी कविताएं हैं और सिंफनी पर भी कविता है। निराला तो स्वयं गाते थे और उनकी कविता पर संगीत का बड़ा प्रभाव है, और प्रसाद तो संगीत के बड़े पारखी थे, राय कृष्णदास बताया है हमको। तो तब तक तो था, लेकिन उसके बाद से अगे में कम से कम ललित कलाओं की बड़ी समझ है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो गया। तो किसी हद तक मैंने उसका पुनर्वास करने की एक विफल चेष्टा की, वो हुआ नहीं। मेरी सबसे बड़ी विफलताओं में से एक विफलता ये है कि मैं हिंदी साहित्य समाज तक को, हिंदी समाज को छोड़िए, हिंदी साहित्य समाज तक को कलाओं के प्रति सजग, संवेदनशील और ग्रहणशील बनाने में सफल नहीं हुआ। मैंने संस्थाएं बनाई, भारत भवन बनाया, कला परिषद में सब प्रयत्न किया, सब किया, जरा फाउंडेशन में भी बिना हार माने करता रहता हूं, लेकिन तो जहां तक मेरा अपना संबंध है, मैं समझता हूं कि मुझे जो घुसपैठ करने का अवसर मिला कलाओं में, उसने मेरी कविता को, मेरी आलोचना को, मेरे विचार को, मेरी समझ को, मेरी संवेदना को समृद्ध किया है। मैं वैसा कवि ना होता, न वैसा आलोचक होता, न वैसा आयोजक होता, न वैसा संपादक होता, न वैसा संस्था निर्माता होता, अगर कलाओं का संस्पर्श उनमें व्यक्त चरितार्थ जीवन और सच मुझे न मिला होता। और इसका एक कम से कम सुपरिणाम मेरे लिए ये हुआ कि मैं संगीत पर, चित्रकला पर कुछ समझ और संवेदना से हिंदी में भी लिख पाया। ये बात अपनी मुंह से कहना ठीक नहीं है, लेकिन पिछले 50 वर्षों में ऐसे बहुत कम लेखक हुए हैं जिनकी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, ललित कला में उपस्थिति इन कलाओं ने दर्ज की हो। जी जी बिल्कुल। और स्वयं आपके अपने घर में ऐसे ऐसे ऐसी कई शख्सियतें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, और पड़ोस में, और आपका जो एक अपना एक वृहत जो संपर्क वर्ग है उसमें, मित्र मंडली है उसमें। यहीं से एक अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि यह जो सुदीर्घ साहित्यिक और सामान्य जीवन यात्रा रही, कर्म यात्रा रही, साहित्य को तो मैं कहूंगा और कला लगाव को कि आपकी जीवन शैली का वह एक अमिट हिस्सा ही है, तो उसमें परिवारजनों से किस तरह के सहयोग मिलते रहे घर में, और जी पत्नी, देखिए, बच्चे, भाई? शुरुआत जी शुरुआत मैंने की थी तो मेरी दो बड़ी बहनें थीं, चचेरी बहनें थीं, मुझसे बड़ी थीं, तो उनसे और मेरी माँ से तो मुझे प्रोत्साहन मिला। मेरे पिता के बारे में मुझे ये संदेह था कि वो मेरा कवि होना बहुत उनको मुआफिक नहीं आता था, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ये राह से भटक न जाए। लेकिन मेरे परिवार को आप एक शिक्षित, सुसंस्कृत परिवार तो कह सकते हैं, पर उसमें संस्कृति के लिए बहुत अधिक सक्रियता नहीं थी। जो बाद में मुझे अपने पत्नी के परिवार में मिली, यानी अव्वल तो रश्मि से प्रणय संबंधी इसलिए बना कि वो कथक की नर्तकी थी, बिरजू महाराज की पहली शिष्याओं में से थी, पर नेमी जी, रेखा जी का पूरा परिवार, उनमें हर एक, रश्मि की बड़ी बहन सितार वादक थी, उन्होंने रविशंकर के शिष्य से सितार वादन सीखा था, संस्कृत की विदुषी थी,
दूसरी बहन कीर्ति रंगमंच में दीक्षित थी, बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कई वर्षों निदेशक भी रही वगैरह। तो एक बहुत भरा पूरा सांस्कृतिक परिवार मुझे विवाह के बाद मिला, तो इसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ा है। और जो मेरी कला में रुचि थी, इसी कारण उनकी भी मुझ में रुचि हुई, और मेरी रुचि अधिक सघन और उत्कट और समृद्ध हुई। बाकी तब तक जो हमारे छोटे भाई वगैरह जो थे, वो सब तब तक बड़े हो गए थे, तो उसमें मेरा एक एक भाई था, दुर्भाग्य से मेरे दो छोटे भाइयों की इस दौरान मृत्यु हो गई पिछले 5-7 वर्षों में। तो खासकर अनिल, जिसको हम रज्जन कहते थे, उसकी बड़ी रुचि थी इसमें और वो बड़ा समर्थक था इस सब का। और मेरी बहनें आभा, अतिमा, अंतिमा भी मेरे काम को और मेरी रुचियों का समर्थन करती रही हैं। तो ये एक बड़ा सहारा परिवार का रहा है। मैं बहुत अधिक पारिवारिक, और मेरा बेटा और मेरी बेटी, इन दोनों ने भी कभी कोई कोताही नहीं की। तो मुझे जो साधन, जो अवसर, जो समय, सुविधाएं चाहिए, वो सब मिलती रही हैं। तो परिवार की बड़ी भूमिका है। और आप जानते ही हैं कि मेरी कविता का एक बड़ा स्थायी विषय परिवार है। संभवतः है किसी और हिंदी कवि ने अपने माता पिता, प्रेमिका, पत्नी, बेटे, बहू, बेटी, पोते, नातिन, बहन, बाबा, इन सब पर कविताएं लिखी हैं। और ये खराब कविताएं नहीं है और साधारण कविताएं भी नहीं, ना कहने की मुझे इजाजत दीजिए, यद्यपि ये थोड़ी आत्मराती जैसी। और आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जब हम आपके बारे में सोचते हैं, हम सभी लोग आपके व्यक्तित्व को लेकर, तो यह भी एक प्रश्न उठता है कि आप पर किन किन के प्रभाव पड़े होंगे। कुछ एक की चर्चा भी यहां हुई, मगर चूंकि आप अकेले आप नहीं हैं, आपका कवि पक्ष अलग है, गद्यकार और कवि को चलिए हम कुछ समय के लिए मिला सकते हैं, क्योंकि दोनों में भाषा की वह जो प्रांजलता है वह कॉमन है, सहज रूप से है। लेकिन कला मर्मज्ञ का पूरा पक्ष, या प्रशासक का पूरा पक्ष, या तमाम संस्थाओं को चलाने का अनुभव, जिसकी बात कल भी कोई कह रहे थे, मुझे भी ध्यान नहीं है, शायद बंशी जी या कोई और कह रहे थे कि कैसे वे एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो वे उन तमाम आंकड़ों को, सूचनाओं को भी विधिवत कर लेते होंगे, अंदर से मैनेज कर लेते होंगे। तो यह जो आपके अलग-अलग पक्ष हैं, तो इसको कुछ श्रेणीबद्ध कर सकते हैं कि आपके किस पक्ष पर किनका प्रभाव पड़ा, कहां से आपने क्या सीखा? जी सूची बहुत लंबी होगी, उबाऊ हो जाएगी। मैं मोटी मोटी कुछ बातें कहूंगा। जी एक तो मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव मेरी माँ का था। वो धार्मिक थी और उनको संभवतः इस बात का खेद रहा होगा कि उनका बड़ा बेटा धार्मिक नहीं हुआ। मतलब मैंने कविता को ही अपना धर्म बना लिया। तो लेकिन वो रामचरितमानस रोज पढ़ती थी और उसी की पूजा करती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन में ये बात थी कि हमारे परिवार में एक महान कविता की पूजा रोज होती है। तो मुझे अपने कवि होने का थोड़ा औचित्य इस तथ्य से मिलता है। उनका बड़ा प्रभाव था। मेरे पिता का जो प्रभाव मुझ पर पड़ा, वो था एक तो निडर होना, किसी के रौब में नहीं आना। यानी आपसे किसी के पास ज्यादा दौलत है
ज्यादा अधिकार है, ज्यादा सत्ता है, तो इससे उसका रौब नहीं खाना। तो मैंने भी ऐसा रौब नहीं खाया। तीसरा उनसे जो सीखा मैंने वो था कि जो मन में आए उसको कह दो। तो मेरी माँ भी कहती थी कि तुम बहुत कुभक बोलते हो, यानी जो मन में आए सो बोल दिया, वो अच्छा है बुरा है। तो ये मैं अक्सर कर लेता हूं, तो उसका मुझे कई बार खमियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन बहरहाल ये मैंने अपने पिता से भी सीखा था। तीसरा था उनका विट। वो अपना थोड़ा मजाक भी बनाते, दूसरों का मजाक बनाने का उनका बड़ा, तो वो भी मैंने थोड़ा ग्रहण किया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ग्रहण की वो थी दूसरों की मदद करना, भले उनमें से अधिकांश आगे जाकर तुम्हारे साथ विश्वासघात करें। ये मैंने अपने पिता से सीखा, दूसरों की मदद करना। और दूसरों की मदद करने का जो जज्बा सैयद हैदर रजा के पास था, उसने मेरे इस प्रभाव को और गहरा किया और पुष्ट किया। ये तो हुई एक एक तरह के प्रभावों की बात। लक्ष्मीधर आचार्य मेरे गुरु का प्रभाव मुझ पर था ही, दोस्तों का बहुत प्रभाव पड़ा, रमेश दुबे का, उनमें भी एक अजब किस्म का बेबाकी थी और हस्तक्षेप करने की उनकी आदत थी, उसका भी प्रभाव जरूर रहा होगा। साहित्य में बस सबसे अधिक प्रभाव तो पहले अज्ञेय का पड़ा, बाद में रघुवीर सहाय का, फिर श्रीकांत वर्मा का, शमशेर जी का भी, शमशेर का भी। अब जाकर देखता हूं कि इधर पिछले 10-15 वर्षों में जो जिस तरह की कविता मैंने लिखना शुरू किया, उसके पीछे मुझे जो एक एक उद्दीप्त छाया मूर्ति जैसी नजर आती है, वो मुक्तिबोध की है। एक तरह से जिस अंधेरे की शिनाख्त उन्होंने इतने दशकों पहले कर ली थी, उसी अंधेरे को अधिक गाढ़ा, गहरा और सच और अभेद्य अपने समय में देखना मेरा दुर्भाग्य भी है, लेकिन उसको दर्ज करना कविता में मेरा सौभाग्य भी है। तो एक तरह से, पर विदेशी कवि मैंने बहुत पढ़े, रिल्के का मुझ पर प्रभाव है, जिब्नेव हर्बर्ट का प्रभाव है, यशोमी बोस का प्रभाव है, प्रभाव है मतलब ई बुनफुआ प्रभाव, मतलब मुझे इनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो कहीं कहीं उनकी उक्तियां गालिब मुझ पर बहुत हावी रहते हैं। एक तरह से कुमार गंधर्व का जो अकेले में समुदाय की आवाज को जगह देने का उद्यम और मृत्यु से निरंतर लड़ते रहने की अदम्य जिजीविषा, इसका प्रभाव मुझ पर है। मल्लिकार्जुन मंसूर की, इसकी चिंता किए बिना कि कौन क्या कहेगा, किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं लगेगा, अपनी परंपरा, अपने सांगीतिक सच पर जिद कर अड़े रहना। तो मैं जिद्दी हूं, मैं अड़ा रहता हूं, मैं कोई समझौता व्यावहारिक जीवन में तो कुछ समझौते कर पर मैंने कभी राजनीति से और सत्ता से और सबसे कभी कोई समझौता नहीं किया। तो ये प्रभाव भी है मुझ पर, रजा साहब का बहुत प्रभाव है, उनकी बड़ी कृपा भी मुझ पर थी, उनकी उदारता का, उनकी ग्रहणशीलता का, वो एक ऐसे, और दोनों थे असल में, उससे पहले थोड़ा पहले जगदीश स्वामीनाथन, स्वामीनाथन की भी कविता में बहुत गहरी दिलचस्पी थी, राजा साहब की भी कविता में बहुत गहरी दिलचस्पी थी, और संगीत में भी, नृत्य में भी, तो ये इनका भी एक प्रभाव पड़ता रहा है। और अब तो सूची बहुत लंबी है, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने, हबीब तनवीर, बाबा कारंद, बाबा कारंद की माँ की मृत्यु का
संदेश आया, और वो उस समय सती शाले करके एक नाटक, घासीराम नहीं, एक सती शाळेकर का एक नाटक था, उसमें अभिनय कर रहे थे, वो करते रहे। और जब समाप्त हो गया, तब उसके बाद फिर वो थोड़ा, उनकी आंखों में आंसू आए और फिर वो जल्दी से चले गए बंगलोर, जहां भी उनकी मां थी। तो इन सब का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। और मैं अपने को बहुत इस अर्थ में सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे दूसरों से बहुत रोशनी मिली। मैंने कभी कोई मशाल लेकर दूसरों को रास्ता दिखाने या उनको उनका राहबर, राहरो बनने की कभी पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं, तो ऐसा राहबर बनने की मैंने कोशिश नहीं की। मेरे पास तो एक छोटा सा दिया है, लेकिन उसमें जो ज्योति है वो बहुत दूसरों की आई हुई रोशनी है, जिसको मैंने लोक लिया। बस इतना हुनर मेरे पास है कि उसको मैं लोक लेता हूं। तो जी गायब हो गए क्या? संस्कृत कविता का भी मुझ पर बहुत प्रभाव है। मैं सकता हूँ समझ, संस्कृत काव्य एक महान स्रोत है भारतीय कविता के लिए। पृथ्वी सूक्त का बहुत ही अद्भुत अनुवाद हमारे मित्र मुकुंद लाठ ने किया, और ऋग्वेद जिसका बहुत अच्छा अनुवाद गोविंद चंद पांडे ने किया। ये सब भी बहुत, मतलब इतना महान काव्य लिखा गया है संसार में भी, संसार की अनेक भाषाओं में भी, और हिंदी में भी और भारत में भी, कि आपको अपनी तुच्छता का एहसास होने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ ये सुगबुगाहट भी होती है कि इस उजली परंपरा में आप भी कुछ कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, वो कितना टिकाऊ होगा, इसकी चिंता मत करिए, पर उसमें कुछ जोड़ने की अपनी आकांक्षा को मंद ना होने, मैं यही करता हूं। जी हाँ, वो बीच में मैं अपने को म्यूट कर देता हूँ तो फिर कई बार वो थोड़ा वक्त लग जाता है। एक बात और खासतौर से कविता के संदर्भ में ध्यान में आती है कि आप स्वयं का जो आपका जो अपना कवि परिदृश्य है, स्वयं का जो जिस तरह की का भूगोल है अनुभव का और तमाम चीजों का, तो उसे भी आप कहते हैं कि हाँ हमारी कविताओं में, या मैं स्वयं मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के अनुभवों को लेकर आता हूं। ऐसे ही आप कई और कवियों के लिए यह बात कहते हैं। एक चीज कि आप कई दशकों से और 2 शताब्दियों के बीच की आपकी यात्रा है, तो उसमें क्या पाते हैं कि हिंदी कविता में मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के आगे किस तरह की और चीजें जुड़ी हैं? इसमें कुछ इसका जो पारिवारिक या जो हम एक आर्थिकी बनाते हैं वर्गीय स्तर पर, तो उसमें कुछ पाते हैं, कुछ और वैभिन्न कुछ उसमें जुड़ाव देखिए, पाते हैं? ये वर्ग विभाजन भी मुझे थोड़ा
उलझन में डालता है, डालने वाला है। ये तो सही है कि हिंदी साहित्य, आधुनिक साहित्य तो विशेषतः हिंदी मध्य वर्ग का ही साहित्य है, दोनों अर्थों में। उसके अधिकांश लेखक मध्य वर्ग से ही आते हैं, कुछ निम्न मध्य वर्ग से, कुछ मध्य वर्ग से। उच्च वर्ग का शायद ही कोई लेखक हुआ है, राय कृष्णदास वगैरह एकाध हो सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन जयशंकर प्रसाद किसी हद तक शायद, लेकिन ज्यादातर तो मध्य वर्ग। और मध्य वर्ग ही इस साहित्य को पढ़ता है, वही उसका संबोध्य भी है एक तरह से। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं कि हमारे पास हमसे जो नीचे का विशाल वर्ग है उसको संबोधित करने और उससे प्रतिकृत होने का जतन नहीं हो पाया। तो एक तो ये है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कविता, मेरी आलोचना ऐसे लोग भी पढ़ समझ सराह सकते हैं जो पढ़े लिखे ना हों, जिनके पास शिक्षा का और थोड़ा बहुत संस्कृति का कोई संस्कार ना हो। हालांकि नीचे वर्ग में भी संस्कार तो बहुत है, शिक्षा का ना सही लेकिन संस्कृति का संस्कार तो है। लेकिन फिर भी ये सही है कि हमारी ये एक सीमा है, पर ये सिर्फ मेरी निजी सीमा नहीं है, ये एक व्यापक सीमा है। एक दो सवाल जो इस बीच और आए हैं। एक सवाल परिमल तिवारी जी का आया है, यूएसए से, अमेरिका से। वे पूछ रहे हैं, हाय अशोक जी, ट्यून्ड इन फ्रॉम यूएस ड्यूरिंग डे टाइम ऑन दिस रिवेटिंग कन्वर्सेशन। आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट ऑफ द मेनी मूवमेंट्स दैट यू हैव बीन पार्ट ऑफ। हाउ डू यू सी हिंदी लिटरेचर पोएट्री थ्रू द लेंस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर? वेयर डू यू सी आर वर्ड्स इन लास्ट 100 ईयर्स एंड हाउ वी कैन ट्रांसेंड द पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट्स एज वॉलकॉट और नायपाल ऑलवेज आर्ग्यूड, रिमेम्बरिंग योर मेंशनिंग ऑफ आग्नेय जी एंड निर्मल जी डिस्कशन विथ यू। परिमल तिवारी। I don't know if I should answer you in English or जी I don't think that the post-colonial discourse is adequate to understand or to analyze the 100 years of, let's say, 75 years of what has happened in literature. What is more important is to understand and to recognize that literature in the last 75 years has been written under a democratic system. And this is for the first time that it is happening in the history of Hindi literature, and for that matter, in the history of Indian literature. To confine it or to coalesce it into a post-colonial discourse is deeply inadequate. Intellectually shallow and kind of denying that in spite of the colonial intervention, many strands of tradition continued
फॉर इंस्टेंस इन म्यूजिक एंड डांस, ऑल्सो इन लिटरेचर. आई मीन द काइंड ऑफ मॉडर्निज्म दैट ए हजारी प्रसाद द्विवेदी और गालिब हैड हैज नथिंग टू डू विद द वेस्ट, नथिंग टू डू विद द कलोनियलिज्म. एंड by retaining their verb and by refusing to be influenced or even to acknowledge the existence of the colonial, the classical arts of Indian of India have offered a resistance which has political repercussions. So I think to simplify it by post-colonialism, I do not agree. But on the other hand, it's also true that colonialism had a deep impact on literature, theater, visual arts. That cannot be denied. However, very early, there is a new kind of effort being made in visual arts. For instance, in the Bengali school, where a kind of a hop back to the tradition was being attempted. In the Progressive Artists Group in Bombay, where the plurality of Indian modernity became evident for the first time, it was responding to the Western and the world situation, but also trying to locate its own roots in India. In theatre, there have been attempts by people like Habib Tanveer, by Karan, by Kavalam Narayan Panikkar, etc., to create a theatre which resurrects the epic dimension of Indian theatre. So I do not think that this post-colonial syndrome is really worth so much attention, firstly. Secondly, at least I know this, that in many critical traditions of India, in Hindi, in Bengali, in Kannada, in Malayalam, the post-colonial element is not so dominant. It's only dominant in the English critical tradition of India. I don't know whether I have answered you well or not. Thank you. जी जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं परिमल जी, और कई और मित्रगण जुड़े हुए हैं. कुछ सवाल और आए हैं. एक सवाल इनका आया है, अशोक कुमार जी का. आदरणीय आपको सादर प्रणाम. मेरा प्रश्न है कि अज्ञेय जी को चिंपांजी कहने के पीछे क्या कारण थे? ये प्रश्न तो आपको नामवर जी से पूछना चाहिए जिन्होंने ये कहा था. जी जी, वो दुर्भाग्य से दिवंगत हैं. वो कहीं कंफ्यूजन शायद उनको हो गया हो. जी, और परिमल तिवारी जी आपको थैंक्स लिख रहे हैं. थैंक्स फॉर अ लॉन्ग आंसर. तो थैंक यू. जी, और उदय भानु पांडे जी वापस आ रहे हैं कविता के ड्राफ्ट को लेकर, और वे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी कविताओं को बार बार रिवाइज करते हैं? मैं दूसरों को तो ये सलाह देता रहा हूं, पर खुद सलाह पर अमल नहीं करता हूं. मेरे पास इतनी व्यस्तता रही है दुर्भाग्य से, और किसी ने लादी नहीं मुझ पर, मुझने ही अपने ऊपर ये सब बोझ लादा, कि इतना समय ही नहीं होता था. तो मैं पहले प्रारूप का कवि हूं, मैंने पहले प्रारूप का आलोचक हूं, मैं पहले प्रारूप का स्तंभकार हूं. सब कुछ मैं पहली बार में ही कर लेता हूं, और थोड़ा बहुत नोक पलक ठीक करनी होती है. कभी वो विभक्ति गड़बड़ा गई है, कोई टाइप करने में कोई हिज्जे गलत हो गए, तो उसको ठीक करता हूँ.
बाकी ऐसा बहुत कम हुआ है, ऐसा तो नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है कि मुझे अपने पहले ड्राफ्ट को एक आध बार, दो चार बार ऐसा हुआ है, शायद कई बार होगा, 5-7 बार हुआ होगा, से मैंने किसी कविता को स्थगित कर रखा है, छोड़ रखा है कि अभी नहीं बन रही है, देखेंगे बाद में, फिर कभी बाद में वो बन जाती है, लेकिन मैं पहले प्रारूप का लेखक हूं जी। दोनों ही ये ठीक नहीं है। दोनों ही स्थितियों में, गद्य और पद्य दोनों में। हाँ जी हाँ जी। और वह भी तब जब आप आज भी संभवतः टाइपराइटर पर ही काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर आप उस तरह से नहीं आ पाए। कंप्यूटर मेरे बस का नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी जी। और उस पर तो कि मैं रघु राय शास्त्रीय संगीतकारों के चित्रों के साथ चाहते थे कि मैं कुछ निबंध लिखूं, तो 13 शास्त्रीय संगीतकारों पर मैं निबंध, अंग्रेजी में था ये पुस्तक, ग्रेट मास्टर्स ऑफ इंडिया नाम से वो प्रकाशित भी हुई, उसमें बहुत अद्भुत चित्र हैं रघु राय के, बहुत सारे संगीतकारों, उन पर 13 निबंध मैंने अंग्रेजी में लिखे थे। तो जब मैं लिख रहा तो मेरे बेटे ने कहा कि क्यों तुम कंप्यूटर पे करो, तो हमने कंप्यूटर पे करना शुरू किया। अब एक दिन मैं लौट के आया घूम के सुबह, तो मुझे संगीत और लोकतंत्र में एक बड़ा नया संबंध समझ में आया, तो मैंने उस पर वो नोट फौरन टाइप कर दिया, लेकिन वो उसको सेव करने से भूल गया तो गायब हो गया। तो मैंने उस मेरा कंप्यूटर के साथ ये आखिरी सबका था। जी 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 जी। समय भी काफी हो रहा है, मगर कुछ एक प्रश्न है, तो अगर आप कहें तो ले ले, और ले लीजिए ले लीजिए जी। कुछ एक प्रश्न है तो, और मित्रगण भी जुड़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, मगर फिर भी हमें इसका भी, आपकी सुविधा का भी ध्यान रखना है। आज गुरुओं, आज जी, आज गुरुओं की चर्चा हुई, आपने कई गुरुओं की चर्चा की। हेमंत जोशी जी मेरे शिक्षक रहे हैं, जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में था IIMC में, तो उनका एक प्रश्न है कि साहित्य और कलाओं के लिए जनतांत्रिक और जनपक्षधर वातावरण के अच्छे दिन चल रहे हैं क्या? अगर नहीं तो भविष्य में आपको क्या दिखाई देता है? हालांकि इन विषयों पर बात हुई है, मगर फिर भी हमें इनके प्रश्न को रखने हैं। जी, मैं या तो उस प्रश्न को रिपीट करूं क्या? मैं समझता हूं कि जो हो रहा है उसको जनतांत्रिक या जनपक्षधर कहना तो झूठ बोलना भी होगा और मूर्खता भी होगी। इस समय जो व्यापक जनरुचि गढ़ी जा रही है वो इतनी विकृत, भौणी और कलात्मक रूप से इतनी असह्य है, क्योंकि हर चीज को तमाशे में बदल दिया गया है। तो ये जो हर चीज को तमाशे में बदलने की वृत्ति है, ये एक भयानक विकृत और भदेश जनरुचि बना रही है। इस सब के बावजूद जो सार्थक कला है, जो सार्थक रुचि है, जो अधिक मानवीय और अधिक गहरी और अधिक परंपरा की समझ संवेदना रखने वाली रुचि है, वो एक तरह से अंतःसलिल है। वो कब उभरेगी और कब अपनी जगह वापस ले लेगी, हमको इसकी उम्मीद भी करनी चाहिए और प्रतीक्षा भी। और इसी समकाल पर एक और प्रश्न है, उसे भी ले लें, लेखक पत्रकार अमित जी का, अमित प्रकाश सिंह जी का। त्रिलोचन जी की भी बात हुई और आप उन पर काफी काम भी किया, उन्हीं के सुपुत्र अमित प्रकाश सिंह जी, वे पूछ रहे हैं कि एक अरसे से आप कलाओं के साथ समाज के विकास की बात करते रहे हैं, आज एक ठहराव समाज में है, आप इसे तोड़ने में लगे हैं,
क्या आपको यकीन है कि भारतीय समाज इस जड़ता को तोड़ पाएगा? अमित प्रकाश सिंह जी। हाँ, तो मैं तो इस पर एक अंतर विरोधी ढंग से देना चाहूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता फिल वक्त फिल मुकाम के भारतीय समाज इस को तोड़ने की कोई इच्छा रखता है। कम से कम उसका कोई सबूत, उसका कोई प्रमाण या साक्ष्य हमारे सामने नहीं है। लगता यह है कि सारी संकीर्णता, अनुदारता, आक्रामकता, हिंसा, हत्या को भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारतीय समाज अपने उदार मूल्यों, अपनी उज्ज्वल परंपरा, अपने मानवीय ऊष्मा और उत्तराधिकार के सारे गुणों को इतनी आसानी से तज देगा। तो मैं कहूंगा कि शायद ये बुरा वक्त बीतेगा और शायद प्रयत्न के बाद, काफी प्रयत्न और लंबी प्रतीक्षा के बाद हम लौटेंगे उदारता पर, सहिष्णुता पर, आपसदारी पर, समझ पर, संवेदना पर, मानवीय ऊष्मा पर। जी, एक प्रश्न और आ गया है साहित्य सरोवर की ओर से। वे उनकी ओर से यह सवाल है कि आपका कथन है लेखक वह होते हैं जो अपने सत्य पर संदेह भी करते हैं, यह संदेह क्यों है? इसलिए कि लेखक वही व्यक्ति होता है जो मानता है कि सच सिर्फ उसकी बपौती नहीं है, उसका मौरूसी हक नहीं है, कि सच पाने, समझने और व्यक्त करने वाले और भी हैं। एक बात, इसलिए वो अपने सच को एकमात्र सच नहीं मानता। वो ये भी नहीं मान सकता कि जो उसको सच लग रहा है वो आत्यंतिक रूप से सच है। सारे बड़े आगे की कविता है, मैं सच लिखता हूं, लिखकर सब झूठा करता जाता हूं। पिकासो ने कहा था, कला झूठ बोलकर हमें सच के पास ले जाती। तो ये जो स्थिति है वो जटिल है और इसको समझना जरूरी है। इसलिए मैंने ये कहा कि लेखक वही होता है जो सच तो कहने की हिम्मत और कई बार हिमाकत करता है लेकिन अपने सच पर संदेह भी करता है। राजनेता, धर्मनेता, विचारधारी लोग सत्ता अपने सच पर संदेह नहीं करते लेकिन हम लेखक हैं, हम करते हैं। हम जो कहते हैं उसके साथ साथ ये विनम्रता से जाहिर भी करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हमको लगता सच है पर यही सच है ऐसा हम नहीं मानते। आपसे बात करते हुए या आप पर बात करते हुए कई बार कुछ खास पदों की ओर ध्यान जाता है, मसलन कई लोग आपको कलाबादी कहते हैं और जो यह कहते हैं वे यह भी जानते हैं कि प्रगतिशीलों के साथ या उन लोगों को लेकर आप कितना कुछ आपने किया है। आप स्वयं को न कलाबादी मानते हैं न प्रगतिशील, तो आपकी अपनी दृष्टि और प्रतिबद्धता किस तरह की है? ये जो द्वैत या
दो ध्रुवांत हैं कि एक तरफ आप या तो प्रगतिशील हैं, जनवादी हैं, जनपक्षधर हैं, दूसरी तरफ आप कलावादी हैं, स्वायत्तवादी हैं, समाज विरोधी हैं। ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और बौद्धिक रूप से बहुत ही दयनीय ध्रुवीकरण है, एक बात। दूसरी बात, मैं साहित्य को राजनीति, धर्म, मीडिया, ज्ञान के दूसरे अनुशासन, दर्शन, समाज विज्ञान, इतिहास, ये जो सब मनुष्य की स्थिति, मनुष्य की नियति और मनुष्य की के आचरण पर अपना अधिकार जमाने वाले अनुशासन हैं, उनके बरक्स साहित्य और कलाओं को भी रखता हूं। मुझे लगता है कि साहित्य और कलाओं का इन सब दूसरे मानवीय अभिव्यक्ति, ज्ञान, अन्वेषण के अनुशासनों से संवाद, तनाव, सहकार हो सकता है। पर जैसे राजनीति को अधिकार है कि वो हमारे जीवन को, हमारे हमारी व्यवस्था को इत्यादि को नियमित करे और उस पर फैसला दे, वैसा अधिकार साहित्य और कलाओं को भी, ये अधिकार और ये जगह उनको मिली हुई नहीं है, लेकिन इससे उनका अधिकार कम नहीं हो जाता। मैं साहित्य को राजनीति का, धर्म का, ज्ञान का, दर्शन का, विज्ञान का, इन सब में से किसी का पिछलगुआ मानने को तैयार नहीं रहा। मैं साहित्य के अपनी स्वायत्तता में विश्वास करता हूं, जो समाज से अपने को कभी काटती नहीं है। वो समाज को आखिर, ये सवाल मैं कई बार सोचता हूं कि क्या हमारे प्रगतिशील जनवादी मित्र सोचते हैं कि उन्होंने 60-70 वर्ष तक हिंदी साहित्य में अपना वर्चस्व स्थापित किया, उस हिंदी अंचल में आज जो हो रहा है उसका क्या, उसकी क्या व्याख्या वो करते हैं कि बावजूद इस सब करने के हिंदी अंचल इस कदर विकृत, विद्वेष, विदूषित, इस तरह सारे उदात्त मूल्यों के विरुद्ध हो गया। तो मेरा कहना सिर्फ ये रहा है, तो मेरी अपनी, आपने पूछा ना कि मेरी अपनी दृष्टि क्या, मैं साहित्य को अगर आप कहें कि उन्हीं उसी पदावली में बात करना है, तो मैं साहित्य को अपने आप में राजनीति मानता हूं, मैं साहित्य को अपने आप में धर्म मानता हूं, मैं साहित्य को अपने आप में ज्ञान मानता हूं, मैं साहित्य को अपने आप में इतिहास मानता हूं। और इस पर इसरार करने के कारण, साहित्य और कलाओं को इस पर इसरार करने के कारण, अगर कोई मुझे कलावादी, समाज विरोधी जो सब कहते रहे हैं, इसकी मैंने चिंता नहीं की। जो अपने को बहुत समाज समाज चिल्लाने वाले लोग हैं, उनको समाज में कितनी जगह मिली हुई, कौन जानता है उनको। तो ये व्यर्थ की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है इस समय ऐसा ऐतिहासिक ऐसी ऐतिहासिक दुर्भिसंधि में हम फंसे हुए हैं कि सभी लेखकों के, उनके जो भी वैचारिक मतभेद हो, उनको अलग करके, उनको अलग रख के, थोड़ी देर के लिए अगर जरूरी हो तो स्थगित करके,
या उनको अपने साथ पीठ पर बोझ की तरह लादे हुए रहकर भी उनको प्रतिरोध में शामिल होना चाहिए। इस समय हिंदी का संकट सभ्यता का संकट है, भारतीय सभ्यता का संकट है, और इसका अधिकांश हिंदी अंचल के कारण हो रहा है, हिंदी अंचल की राजनीति के कारण, वहां की धर्मांधता के कारण हो रहा है, वहां की सांप्रदायिक घृणा के कारण हो रहा है। इस समय हम क्या करें? अगर कुछ करने की इच्छा है तो हमको मिलकर एक बिरादरी बनानी चाहिए जो साथ खड़ी हो। जी, तो जो बात आप कह रहे हैं और पहले भी कहते ही रहे हैं कि साहित्य जो है उसका अपना एक स्वायत्त, उसकी अपनी जगह है, मगर आप स्वयं कई दशकों से इसको देखते आए हैं, कुछ चोट भी खाए हैं, कुछ क्या बहुत बहुत चोट खाए हैं, घाव भी हैं गहरे। साहित्य के भीतर की भी जो राजनीति है, जो संकीर्णता को या जो और कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे से कम्यून में लोगों को सीमित करके या उन्हें कुछ ना कुछ हल्के फुल्के ढंग से प्रलोभन देकर आगे चलने का जो जो चलने के जो काम हुए हैं, वह भी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साहित्य को सीमित भी, इससे साहित्य सीमित हुआ है और साहित्य इससे आम जन से, साहित्यानुरागियों से दूर भी हुआ है। देखिए, राजनीति और साहित्य में दुर्भाग्य से जो अंतर होना चाहिए वो कई बार हिंदी में नहीं रह पाया है। राजनीति में जो विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं, हालांकि अपने सामान्य जीवन में ऐसी शत्रुता वो नहीं पालते। दुर्भाग्य यह है कि हिंदी में असहमति को शत्रुता में बदल दिया गया। जो आपसे असहमत है वो आपका शत्रु है। तो जब इस तरह की लोकतांत्रिक वृत्ति को, यानी असहमति की लोकतांत्रिक वृत्ति को हिंदी साहित्य के परिदृश्य में अवमूल्यित किया जाएगा, उसकी अवहेलना की जाएगी, तो क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे बंधु बांधव हैं जो इसी में अपना अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि वो अपने से असहमत लोगों को शत्रु घोषित करते रहें, उनको तरह तरह के लांछन उन पर लगाते रहें, उनके बारे में फतवे देते रहें बिना कोई व्याख्या किए, बिना कोई प्रमाण दिए, बिना कोई साक्ष्य दिए। और हिंदी का साहित्य समाज कुछ इतना सतही भी हो चुका है कि वो ऐसी चीजों को मान लेता है, क्योंकि ये मान लेता है, कम से कम उनको उन पर काम देता है। तो ठीक है, साहित्य की अपनी राजनीति, साहित्य को कि जो अपने एक समय था, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रगतिशीलता और स्वायत्तता के बीच जो जो विवाद था वो पूरी तरह से गैर सृजनात्मक था, उसकी कुछ सृजनात्मकता भी थी और वो एक जरूरी विवाद और विरोध था, पर उसके नतीजे में जो निकलना चाहिए था वो निकला नहीं। तो साहित्य की राजनीति इस समय तो लगभग हास्यास्पद नजर आती है। इस समय हमारे ऊपर जो राजनीतिक
दुष्प्रभाव है, उससे निपटने के लिए साहित्य की राजनीति तो बहुत ही ऊंची और अप्रासंगिक नजर आती है। जी, एक प्रश्न और आया है, आप बता दीजिएगा क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं। जी बस 10 मिनट में समाप्त करिए। जी जी ठीक है, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं या सुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त का भी ध्यान हमें रखना है। एक और सवाल साहित्य सरोवर की ओर से ही वे पूछ रहे हैं कि सर, आपने एक बार बताया था कि आप गालिब और कबीर पर काम कर रहे हैं, वह पाठकों के समक्ष कब आएगा? अरे वो काम अधूरा ही रह गया, कब आएगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि नोट्स वोट्स सब मैंने बना रखे हैं लेकिन वो लिखना नहीं हो पा रहा है। कुछ थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था लेकिन फिर लगा कि वो तो बहुत अकादमिक हुआ जा रहा है, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। अब मुझे उसके एक नए रूपाकार की तलाश है। उसमें ये भी किया था कि दोनों में घर, तमाशा, आग, गमे हस्ती इत्यादि के जो साझा अभिप्राय हैं उनको लेकर कुछ किया जाए। तो और फिर ये भी सोचा था कि उसके अंत में एक काल्पनिक संवाद कबीर और गालिब के बीच हो, जिसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है कहा है उसी का एक तरह का नियोजन किया जाए ताकि उसकी प्रामाणिकता बनी रहे। अब देखिए, जी, और बस अब एक दो और ही प्रश्न हैं। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और उसके पूर्व हम सभी जानते ही हैं, रामचंद्र शुक्ल भी याद आ रहे हैं, उन्होंने किस तरह से हमारे मनोवेगों पर, हमारे मनोभावों पर कितने सुंदर और कितने सुलझे हुए ढंग से निबंध लिखे, बड़े मनोवैज्ञानिक और बहुत शानदार, जो आज भी पढ़ाए जाते हैं, हम सभी लोग पढ़े हैं। तो उसी में से एक भाव ईर्ष्या, अशोक वाजपेयी जी को किन से ईर्ष्या होती है? अगर इसे आप आत्म स्फीति न माने तो मैं कहूंगा मुझे बहुत सारे महानों से ईर्ष्या होती है। अंत हम में इतनी प्रतिभा हुई ना, इतना जतन हम कर पाए ना, ऐसे समय में रहे कि महानता छू पाते। अपने समवयसियों में से किसी से मेरी कभी ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि उनमें से अधिकांश जिस जो जो कर रहे थे वो अपने अपने विधा में जो कर रहे थे वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेरी तो आकांक्षा कई क्षेत्रों में कुछ ना कुछ करने की थी, तो इसलिए उनसे किसी स्पर्धा का भाव नहीं हो सकता था, क्योंकि उनमें से अधिकांश की इस तरह की न तो सक्रियता थी, न इस तरह की रुचि थी, न इस तरह के उनके पास अवसर या साधन थे। तो इसलिए पर ईर्ष्या तो महानता से होती है, और आप जानते हैं कि उससे कितना नीचे, कितना पीछे आप हैं, पर ईर्ष्या करने से कौन रोक सकता है? जी, और बहुत बहुत ही प्रभावी रूप में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों से हम लोग गुजरते रहे। एक अनुरोध आया है अनिल त्रिपाठी जी की ओर से, वो पहले रख दूं, एक एक आखिरी प्रश्न और पूछूंगा। वे कह रहे हैं, अगर हो सके तो अंत में अशोक जी पथहारे का वक्तव्य कविता का पाठ करें,
तो अंत में अगर वह मिल जाए, और नहीं तो नए कविता संग्रह से भी एक दो कविताएं हम लोग सुन लेंगे, इसके बाद अंत करेंगे। एक सवाल जो मुझे लगता है और वह पूछा जाना चाहिए, क्योंकि कईयों के लिए यह प्रश्न कहीं न कहीं उनके जीवन में यह प्रश्न आता है, ऐसी अवस्था आती है, और संभवतः आपके उत्तर से उन्हें कुछ लाभ हो। एक उसके पूर्व एक कविता है भारत भूषण अग्रवाल जी की, जिनकी प्रतिनिधि कविताओं का जो संपादन है आप ही ने किया, तो उसमें हम पाते हैं उनकी एक कविता है पथहीन, जो 1942 43 के आसपास हाँ, की है। जी कौन 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 सा पथ हाँ पुकारा। जी, मैं उसको पढ़ देता हूं, क्योंकि यह एक ऐसी कविता है कि जो आत्म के गहरे अन्वेषण से उपजी हुई है, और ऐसी स्थिति में ऐसी अवस्था में हम सभी आते हैं, और पथहीन होना पथ भ्रष्ट होना नहीं है, हम जानते हैं। पथ भ्रष्ट होने से अच्छा है कि हम पथहीन रहें, और पथहीन में कहीं ना कहीं जो संशय का भाव है उसके पीछे उसको लेकर उस धुंध को तोड़ने की कोशिश भी है। और अशोक जी को वह कविता याद ही है, तो पहले अपने मित्रों के लिए उसका पाठ कर दूं, फिर हम इसी से वह प्रश्न उठाएंगे, और इसके उत्तर के बाद कुछ कविताएं सुनकर हम लोग इस कड़ी को आज विराम देंगे। एकाग्र को भी पढ़ता हूं, भारत भूषण अग्रवाल जी की कविता पथहीन। कौन सा पथ है मार्ग में आकुल अधिरातुर बटोही यों पुकारा, कौन सा पथ है महाजन जिस ओर जाए शास्त्र हुंकारा, अंतरात्मा ले चले जिस ओर बोला न्याय पंडित, साथ जाओ साथ आओ सर्व साधारण जनों के क्रांतिवाणी, पर महाजन मार्ग गमनोचित न साधन है न रथ है, अंतरात्मा अनिश्चय संशय ग्रसित, क्रांति गति अनुसरण योग्या है न पद सामर्थ्य, कौन सा पथ है मार्ग में आकुल अधिरातुर, मार्ग में आकुल अधिरातुर बटोही यों पुकारा, कौन सा पथ है। तो इस पर कई लोग, हम में से कई सारे लोग आते हैं ऐसी अवस्थाओं में, तो ऐसे में जब तीन वे विकल्प देते हैं, और वे तीनों ही विकल्प जब काम ना आए तो क्या किया जाए। गालिब का एक शेर है, चलता हूं थोड़ी देर मैं हर तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राह भर को मैं। तो वाह हम में से ज्यादातर लोग एक ही पथ पर नहीं चलते, कुछ ना कुछ एक साथ कई पथों पर चलते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर पहचान ही नहीं पाते कि उनका असली पथ कौन सा था। तो ऐसों पर हम बात नहीं करते। अपने पथ को आपने कब चुना, अपनी आयु की, अपने जीवन की, अपनी सृजनात्मकता की, अपनी वैचारिकता की, किस मुकाम पर आपने अपना पथ बदला या अपने पथ को चुना, इस पर निर्भर करता है कि वो पथ आपको कितनी देर आगे ले जाएगा। साहित्य का एक काम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, द रोड नॉट टेकन, और वो बड़ी दिलचस्प इस मामले में है कि वो ये कहती है कि रास्ते दो थे, उनमें से मैंने एक चुना जिस पर ज्यादा लोग नहीं गए थे, और इसी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया।
वो सौभाग्य से मेरे पास है। मैं पढ़ देता हूं, अंग्रेजी में है। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो जो लोकप्रिय पथ है, मैंने लोकप्रिय को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा है, क्योंकि लोकप्रिय ही हमारे समय में सबसे क्रूर, जो सबसे लोकप्रिय है वही सबसे क्रूर, सबसे हिंसक, सबसे हत्यारा भी है। तो लोकप्रियता एक बड़ा लुभावना आकर्षण है। सच्चे लेखक को उससे बचना चाहिए। लोकप्रियता का पथ चुनना एक तरह की विवेकहीनता है, और वो सफलता चुनना तो हो सकता है लेकिन सार्थकता चुनना नहीं होगा। सार्थकता के सारे पद पथ कठिन होते हैं और लगभग हमेशा ही अलोकप्रिय होते हैं। जो कठिन से घबराता है, जो जटिल से कन्नी काटता है, जो सरल को ही अपनाता है, वो कभी महत्वपूर्ण लेखक नहीं हो सकता। सारे बड़े लेखक विपथगामी थे, रहे हैं, याद कीजिए मुक्तिबोध को, याद कीजिए मुक्तिबोध ने उस जमाने में जब सब लोग छोटी कविताएं लिख रहे थे, लंबी कविताएं लिखना शुरू किया, उन्होंने एक ऐसी भाषा, ऐसा ऐसा कुछ सब चुना जो कि बिहड़ यथार्थ था, इस पर चलने की किसी ने हिम्मत ही नहीं की थी। मुक्तिबोध ने एक अनजाना पथ चुना, एक जोखिम भरा पथ चुना, और इसीलिए वो बड़े कवि। मैं यही कह सकता हूं कि पथ चुनने का काम स्वयं आपको करना होगा। आत्मालोचन सजगता और जिम्मेदारी से करना होगा, और आपकी जिम्मेदारी भाषा के प्रति भी है, अपने प्रति भी है, अपनी विधा के प्रति भी है, और उससे हटकर जीवन के प्रति भी है। चुनिए पथ, चलिए उस पर, और उससे डिगिए मत। और अगर डिगना अधिक जोखिम वाला हो तो जरूर डिगिए, विपथगामी होइए। जी बिल्कुल। और मित्रों, हम लोग अशोक वाजपेयी जी के सचमुच आभारी हैं कि उन्होंने इतना समय निकाला, और जितने प्रश्न आए जो पहले से आए हुए थे या जो ऑनलाइन प्रोग्राम में आए, सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए। और ऐसी कई बातें, ऐसे कई संदर्भ आए, विभिन्न उनके अपने खुद के अनुभव और उनके विचार जो हम लोग पहले भी जानते समझते रहे हैं, उसमें और कई नई चीजें जोड़ती चली गई। तो बस अब चलते चलते कुछ एक कविताओं को हम लोग और सुन लें, और फिर आप भी संभवतः भोजन नहीं किए हैं तो अच्छा हो। जी, तो नए उसी संग्रह से भी कुछ पढ़ लें। जी से जी यह जो आवाज आती है, जी आवाज आ रही है। जी यह जो आवाज आती है धुंध में अकस्मात स्थगित होए किसी चंद्रोदय की आह सी,
झंझावात के बाद वृक्षों पर बच गए पत्तों की करासी, किसी पात्र में उड़ेले जा रहे द्रव्य के उफनने की जैसी। मैं खोलता हूं खिड़की कविता में, और बहुत धीमे सुनाई देता है किसी भुला दिए गए देवता का सिसकना किसी खंडहर हुए मंदिर में। ये जो आवाज आती है किसी अनाम नदी की गहराई में बसी हरीतिमा एक स्वर बनकर तैरती है हवा में, किसी पर्वत की खोह में पड़ी साधु अस्थियां खड़खड़ाती हैं, ये जो आवाज आती है। कोई क्यों बुलाता होगा मुझे, किसे पता है कि मैं आवाज सुन रहा हूं, किसकी आवाज है जो मुझे किसी सुबह की धुंध की तरह घेर रही है, ये जो आवाज आती है और कहीं नहीं जाती। और दूसरी एक छोटी सी कविता, खोलो खिड़की, उठो खोलो खिड़की, भोर हो गई है, चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं, उठो खोलो खिड़की, पुकारो जीवन को उसके असंख्य नामों से जो तुम्हारी खिड़की के नीचे जमा हो सकते हैं। देखो जितनी धूप खिली है उतना ही जीवन, जितनी हरीतिमा फैली है उतनी ही जीवन की सुषमा, जितना कलरव है उतनी ही जीवन की ध्वनिया। अगर जीवन न होता तो न खिड़की होती, न भोर, न धूप, न नाम, न हरीतिमा, न कलरव। जीवन ही लिखवाता है कविता, जीवन ही जताता है तुम हो। बस चलिए, जी शुक्रिया। और संभवतः वह जो पथहारा वाली जो कविता है वह शायद आपके पास अभी ना हो, तो उसको पथहारा वक्तव्य जिस कविता वो नहीं मिल रही है, कहाँ है? जी, तो अगर आप अनुमति दें तो उसको मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि वह पढ़ दीजिए, पढ़ जाहिर की गई है। आप दीजिए। जैसा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन छोटी सी कोशिश। पथहारा वक्तव्य, अशोक वाजपेयी जी। हमें पता था कि खाली हाथ और टूटे हथियार लिए शिविर में लौटना होगा, यह भी कि हम जैसे लोग कभी जीत नहीं पाए, वे या तो हारते हैं या खेत रहते हैं, हम सिर्फ बचे हुए हैं। इस शर्म से कि हमने चुप्पी नहीं साधी, कि हमने मोर्चा संभालने से पहले या हारने के बाद न तो समर्पण किया न समझौता, हम लड़े हारे और बचे भर हैं। यह कोई वीर गाथा नहीं है, इतिहास विजय की कथाएं कहता है, उसमें प्रतिरोध और पराजय के लिए जगह नहीं होती। लोग हमारी मूढ़ता पर हंसते हैं, हमेशा की तरह वे विजेताओं के जुलूस में उत्साह से शामिल हैं। हम भी इस भ्रम से मुक्त होने की कोशिश में हैं कि हमने अलग से कोई साहस दिखाया, हम तो कविता और अंतःकरण के पाले में रहे, जो आदिकाल से युद्धरत हैं रहेंगे। हम पथहारे हैं पर पथ हमसे कहीं आगे जाता है, पर पथ हमसे कहीं आगे जाता है। एक छोटी सी कोशिश हमने की। मित्रों, काफी समय हो गया है, चलते चलते हम लोग इस अवसर पर, चूंकि अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस अवसर पर जिस तरह यह एकाग्र संपन्न हुआ और जो जो लोग यहाँ पर बतौर वक्ता शामिल हुए, एक बार उनके नाम देखते चले। यह मित्रों, यह शुरुआत, इस एकाग्र की शुरुआत 16 जनवरी से हुई, 2023 से, अशोक वाजपेयी जी के जन्मदिन से, और पहली ही कड़ी में अष्टभुजा शुक्ल जी आए और दूसरी कड़ी में जगन्नाथ दुबे जी आए और फिर ए अरविंदाक्षण जी, प्रार्थना की तरह कविता विषय पर उन्होंने बात की, मदनलाल गुप्ता जी जाने माने शिल्पकार,
रविंद्र त्रिपाठी जी आए, उन्होंने उनके संस्कृति कर्मी के पक्ष पर अपनी बात रखी। प्रयाग शुक्ल जी आए, 6 दशकों की दोस्ती के कई हवाले दिए गए। पूनम अरोड़ा आई, उन्होंने अपने ढंग से अशोक जी पर बात की। वर्याम सिंह जी आए और बहुत अच्छी बातचीत संभव हुई। विनोद भारद्वाज जी और अभिषेक कश्यप जी ने अशोक वाजपेयी जी की कला दुनिया पर बात की। ओम थानवी जी और अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी आए। वैभव सिंह जी ने उनके पब्लिक इंटेलेक्चुअल पक्ष पर बात की। महमूद फारूकी जी, जाने माने किस्सागो, ने उनसे कुछ एक मुलाकातों की बात की। अरविंद त्रिपाठी जी ने उन पर बात की। अनुशक्ति सिंह जी ने अपने ढंग से कभी कभार को लेकर और उनके विचार संसार को लेकर बात की। सूर्यनाथ सिंह जी ने अशोक वाजपेयी जी को एक जीवंत संस्था के रूप में देखा। आस्तिक वाजपेयी जी ने बात की उम्मीद में अकेले। और नंद किशोर आचार्य जी आए, जीवन में सुंदरता की तलाश करता एक कवि। व्योमेश शुक्ल जी ने बात की आलोचना और आयोजन धर्मिता के बीच एक सर्जक के रूप में। गीत चतुर्वेदी जी आए, अशोक अभिराम अपरिमेय। लवली गोस्वामी जी ने बात की अर्थ और छवि के बहुवचन में। अशोक वाजपेयी, अनिल त्रिपाठी जी ने अविचलित अशोक यात्रा नाम से अपना वक्तव्य रखा। अस्मिता शर्मा जी ने अशोक वाजपेयी जी की कुछ एक कविताओं का पाठ किया। ब्रजरतन जोशी जी ने अशोक वाजपेयी जी से जुड़े पत्राचारों पर बात की। नरेश सक्सेना जी ने अशोक वाजपेयी जी की उपस्थिति को लेकर अपनी बात रखी। नीला भागवत जी का वक्तव्य हुआ। संगीत के क्षेत्र से वाजदा खान आई, उन्होंने अपने सृजनात्मक जीवन में उनकी भूमिका पर बात की। आशीष त्रिपाठी जी का वक्तव्य हमने सुना। अखिलेश जी आए, कला संसार में उनकी उपस्थिति पर बात हुई। और कल जो बात हुई थी, अलग अलग जो हमने रिकॉर्डिंग सुनी, उनमें बंशी माहेश्वरी जी का, सुकृता पॉल कुमार, विनोद शाही, ओम निश्चल, प्रियदर्शन, अनुराधा सिंह, शर्मिला जालान की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके माध्यम से वक्तव्य सुना। और आज यह एक सुदीर्घ बातचीत हमने अपनी ओर से कोशिश की, कोशिश ही कह सकता हूं, अपनी क्षमता के अनुरूप जो थोड़ा बहुत कर सका वह किया। कोई भी त्रुटि हुई हो इस बीच तो माफ कीजिएगा, आपसे भी माफी मांगता हूं कैसी भी त्रुटि, और अपने दर्शकों से भी कि इस सुदीर्घ एकाग्र में आप सभी लोग जुड़े रहे। आपका अशोक जी हार्दिक धन्यवाद कि आज आपने इतना समय दिया, लगभग 3 घंटे, और तमाम मित्रगण जुड़े रहे, सभी का धन्यवाद। और मित्रों, अशोक जी की अनुमति से, आप सबकी अनुमति से यह एकाग्र जो 31 कड़ियों में चला विराम लेता है, समाप्त होता है। बहुत बहुत आभार जी, नमस्कार। और मित्रों, आगे हम किसी और एकाग्र को लेकर आएंगे, फिर और बात होगी। आप सभी का स्नेह बना रहे। शुक्रिया, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें।